हेलो राइट गुड आफ्टरनून एवरी वन कैसे हैं आप सभी लोग गुड आफ्टरनून टू वीच एंड एवरी वन ऑफ यू गुड आफ्टरनून शुभम यश दिया अरुष्का अर्चिता रुचिरा केशव विनय मोक्ष सारंग कौशल मुस्कान ऋषभ तनीषा आयुष शशांक अमृता हर्ष वंदना गुड आफ्टरनून टू वीच एंड एवरी वन ऑफ यू आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग फैंटासिकली वेल यस बहुत बढ़िया बहुत ही शानदार बहुत ही बढ़िया बहुत ही उमदा बहुत ही मजेदार तो डायरेक्ट टैक्स की क्लास के बाद एक घंटे का लंच ब्रेक लेने कर लेने के बाद हम लोग यहां पर फिर से आ गए हैं और फिर से हम लोग यहां पर अपना शुरू करेंगे कार्यक्रम और ये वाला जो कार्यक्रम होगा ये जीएसटी का कार्यक्रम होगा ठीक है तो बड़ा मजा आएगा इसमें ठीक है बस एक मिनट रुकना आप लोग मैं जरा यह नोट्स का लिंक उस पर यूट्यूब पर पिन कर इट ठीक है Let me जस्ट पिन द लिंक फॉर नोट्स ऑन YouTube और उसके बाद फिर we'll स्टार्ट गुड आफ्टरनून everyone. Good गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून हाँ जी <coughs> तो YouTube पे मैंने नोट्स का लिंक पिन करके रख दिया है एंड नाउ वी कैन स्टार्ट ठीक है मुझे जल्दी से बताओ डायरेक्ट tax वाली क्लास में मजा आया डीडी क्लास में मजा आया अच्छा यहां पर ये क्लास प्लस में जिनको भी वॉइस ब्रेक वाली प्रॉब्लम हो रही है आप लोग प्लीज यूट्यूब पर स्विच हो जाइए ठीक है Uh, जिसका भी वॉइस uh, इशू uh, जिन लोगों को जिन लोगों के पास भी वॉइस में इशूज आ रहे हैं जिन लोगों के पास भी क्लास प्लस में वॉइस पर इशू आ रहे हैं आप लोग प्लीज यूट्यूब पर स्विच uh, कर लीजिए बहुत मजा आया चलो बहुत बढ़िया तो एक काम करते हैं सुनो जल्दी से मैं रिपीट करूंगा जो सुबह वाली क्लास में दोपहर वाली क्लास में मैंने बताया था ऑल अबाउट टैक्सेशन वाला क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने सिर्फ जीएसटी का सब्सक्रिप्शन लिया होगा ठीक है अभी भी कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन लोगों ने सिर्फ जीएससी का सब्सक्रिप्शन लिया तो उन लोगों ने डीटी वाली क्लास शायद नहीं देखी होगी या आगे भी जितने भी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो सिर्फ जीएससी का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आप लोगों के लिए बता दे रहा हूं क्विकली एक बार मैं बता दे रहा हूँ सो so, टैक्सेशन के सब्जेक्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे कई सारे आपके सवाल होंगे ठीक है ये सारे आपके सवाल है कितने घंटे का पेपर होता है कितने मार्क्स का होता है पेपर पैटर्न रिवीजन स्ट्रेटजी नोट्स टैक्स हार्ड होता है और मेरी स्ट्रेटजी क्या रहेगी ठीक है इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को ध्यान देने वाली है वो ये है कि मैं आप लोगों को क्या क्या करवाने वाला हूं मेरी स्ट्रैटेजी आप लोगों के लिए क्या रहने वाली है इस पर आप लोगों को ध्यान देना है ठीक है तो पेपर आपका तीन घंटे का होता है राइट कितने मार्क्स का होता है तो ये आपका हंड्रेड मार्क्स का पेपर होता है फिफ्टी मार्क्स का डायरेक्ट टैक्स होता है और फिफ्टी मार्क्स का आपका जीएसटी होता है ठीक है फिफ्टी मार्क्स का टैक्स जो कि आपका जीएससी जाता है ये आपका पेपर पैटर्न है तो 50-50 नंबर -50 में 100 मार्क्स के पेपर में आपके 30 मार्क्स के एमसीक्यूज आते हैं और 70 मार्क्स आपका सब्जेक्टिव होता है जो 30 मार्क्स के एमसीक्यूज होते हैं उसमें भी बाइफ़र्केशन 15-15 मार्क्स का होगा ये मैं इस बेसिस पर कर रहा हूं क्योंकि डीटी और आईडीटी का बाइफिकेशन 50 50 है ठीक है अगर आगे चलकर इंस्टीट्यूट नंबर ऑफ एमसीक्यू चेंज करता है या मार्क्स कुछ चेंज करता है तो वो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा अभी आईसीएआई ने ऐसा कुछ नहीं बोला है कि हम पंद्रह मार्क के डीटी के पूछेंगे और पंद्रह मार्क के, IDT के पुरानी वाली, स्कीम में, जो पुरानी वाली स्कीम थी उसमें 60 -40 का होता था, और एमसीक्यूज भी सिक्सटी फोर्टी रेशियोज में आते थे ठीक है तो यहां पर क्योंकि वो फिफ्टी फिफ्टी हो गया तो मैंने भी फिफ्टी फिफ्टी कर दिया एग्जैक्ट पेपर पैटर्न तब पता चलेगा जब मॉक टेस्ट पेपर रिलीज करेगा ठीक है आप जो भी पढ़ो उसका पहला रिविजन आगे आने वाले होने चाहिए 6 हर बैच में अगर आप लोगों ने फाउंडेशन पढ़ा होगा आप लोगों ने पहले कोई भी मेरी क्लास देखी होगी तो आप लोगों को पता होगा कि मैं गूगल कैलेंडर मैं गूगल कैलेंडर पर सिखाता हूं कि आप अपना रिविजन प्लानर कैसे बना सकते हो लेकिन इस बार से मैंने आप लोगों का काम आसान कर दिया है क्यों आसान कर दिया है कैसे आसान कर दिया है कि मैं हर क्लास के एंड में आपको बता दूंगा कि अगली क्लास में आने से पहले आपको क्या क्या रिवाइज करना है सिंपल ठीक है मैं हर क्लास में हर क्लास में छुट्टी से पहले मैं आपको बता दूंगा कि अगली क्लास में आने से पहले आपको क्या क्या रिवाइज करना है राइट तो कई सारे स्टूडेंट्स जो बाद में क्लास लेते हैं जो जैसे आज ट्वेंटी एथ फेब्रवरी को ये वाली क्लास चल रही है हो सकता है आप में से कई सारे लोग बाद में क्लास लेकर देख रहे हो तो आपको भी पता चल जाएगा कि अगली क्लास में आने से पहले आपको क्या क्या रिवाइज करना है प्लीज मेक श्योर कि आप लोग उसको लगातार रिवाइज कर रहे हो बिकॉज हमारा एम है हमारा एम क्या है हम लोगों ने सुबह बात की थी जल्दी से बता दो हमारा एम क्या है Osionfish. हमारा एम क्या है क्या हमारा एम सिर्फ पास होना है चालीस पचास नंबर हमारा टारगेट है हमारा टारगेट है क्या जल्दी से चैट बॉक्स में मेरे को बताओ हमारा टारगेट क्या है जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ हमारा टारगेट क्या है जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ हमारा टारगेट क्या है फटाफट से बताओ हमारा टारगेट क्या है टू गेट द दाइएस्ट मार्क्स टू गेट द दाइएस्ट मार्क्स इन टैक्सेशन ठीक है ऑल इंडिया हाइएस्ट मार्क्स इन टैक्सेशन आपके आ सकते हैं आएंगे क्योंकि जिन स्टूडेंट्स के आते हैं वो भी आप ही में से होते हैं ठीक है जिन स्टूडेंट्स के ऑल इंडिया हाइएस्ट मार्क्स आते हैं वो भी आप ही में से होते हैं लेकिन उसके लिए आपको वो सारी की सारी चीजें करनी होगी जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं और जितनी चीजें मैं आप लोगों के लिए करने जा रहा हूं वो सारी चीजें आप लोगों को फॉलो करते रहनी होंगी ठीक है जो जितने भी स्टूडेंट्स यूट्यूब पर देख रहे हैं यूट्यूब पर नोट्स का लिंक पिन करके रखा हुआ है और क्लास प्लस पे तो यहां पर मैंने कॉन्टेंट फोल्डर में डाली दिया है बाकी जब आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो आपको हार्ड कॉपीज ऑफ द बुक्स मिलेंगे तो एज सच पीडीएफ ऑफ नोट्स की आपको जरूरत है नहीं ठीक है टैक्स हार्ड है आप लोगों ने सुना होगा कोई उसमें दो राय नहीं है लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे मार्क्स रहते हैं क्योंकि की है सिर्फ कंसिस्टेंट प्रैक्टिस और मल्टीपल ऑफ द सेम तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है अब आओ मेरी स्ट्रैटेजी पर हम लोग आते हैं ठीक है तो मैं आप लोगों के साथ क्या क्या करवाने वाला हूं इस बैच में उसका बहुत ध्यान रखना डायरेक्ट टैक्स में भी और इनडायरेक्ट टैक्स में भी मैं हर क्लास की स्टार्टिंग में पांच मिनट रिविजन क्विज कंडक्ट करने वाला हूं ये रिविजन क्विज कैसी होगी यूजुअली क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि हर क्लास के स्टार्टिंग में पांच मिनट लगाकर रिवाइज करते हैं पुरानी वाली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा ठीक है तो वो मोनोलॉग चलता है टीचर का और स्टूडेंट को लगता है कि हां हमें हा, रिवाइज हो रहा है ऐसा कुछ नहीं होने वाला है ठीक है क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपके दिमाग के तार दौड़े और रिविजन आपका हो मेरा नहीं ठीक है तो मैं हर क्लास के स्टार्टिंग के पांच मिनट क्यूम्यूलेटिव रिविजन में बताऊंगा कि अगली क्लास में आना है उससे रिलेटेड की क्विज लेने वाला हूं हर क्लास के स्टार्टिंग के पांच मिनट ठीक है हर क्लास के एंड में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आगे आने वाली क्लास से पहले आपको क्या क्या रिवाइज करके आना है ठीक है हमारे हर महीने क्यूम्यूलेटिव टेस्ट होंगे क्यूम्यूलेटिव टेस्ट का मतलब क्या हो गया कि जितना भी 20 फरवरी से लेकर मतलब हर संडे हर संडे सॉरी हर महीने के आखिरी संडे हर महीने के आखिरी संडे आपका क्यूम्यूलेटिव टेस्ट होगा मतलब स्टार्टिंग ऑफ द बैच से लेकर तब तक जो भी पढ़ाए उसका टेस्ट आपका संडे को होने वाला है ठीक है तो पहला संडे अभी आपका ट्वेंटी फिफ्थ फेब्रवरी को आ रहा है अब ये टेस्ट कहां पर होगा कैसे होगा इसके बारे में हम लोग यहां पर बात करेंगे ठीक है बाद में इवेंचुअली मैं बात करूंगा चौबीस तारीख को जो क्लास होगी उसमें मैं आपको बता दूंगा कि टेस्ट पेपर में कहा अपलोड करूंगा मोस्ट प्रॉब्ली क्योंकि पहला टेस्ट है और अभी डेमोस्ट्रेशन चल रहे तो मोस्ट प्रॉब्लम में टेस्ट पेपर बनाकर यही गूगल ड्राइव पर ही अपलोड कर दूंगा जिसका लिंक यहां पर यूट्यूब पे चार्ट सेक्शन में मैंने पिन करके रखा हुआ है और एक जो चीज मैंने आप लोगों के लिए बनाई है वो है द लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एंड दैट इज दल एम

राइट डिस्कशन फोरम्स होंगे जिसमें आप लोग अपनी बातें डिस्कस कर सकते हो अपने डाउट सॉल्व कर सकते हो और मेंटरशिप भी लगातार होने वाली है ठीक है अब जितने लोगों ने डायरेक्ट टैक्स वाली क्लास देख ली है आप लोगों को पता है एलएमएस का सिस्टम कैसे है और कैसे आप लोग इसको एक्सेस कर सकते हो वगैरह वगैरह लेकिन जिन लोगों ने भी क्लास नहीं देखी थी जिन लोगों ने भी सुबह वाली क्लास दोपहर वाली क्लास नहीं देखी थी मैं आप लोगों को फटाफट से बता देता हूं ये एलएमएस आप लोग एक्सेस कैसे कर पाओगे ठीक है तो मैं एक इनकॉग्निटो टैप पर ले जा रहा हूं आप लोगों को और यहां पर आपको बस मेरी वेबसाइट पर जाना है कुमार निशांत डॉट कॉम ठीक है आपको सिर्फ मेरी वेबसाइट पर जाने है कुमार निशांत डॉट कॉम और यहां पर आपको एल एम एस दिख जाएगा जैसे ही आप एल एम एस पर क्लिक करोगे आपके सामने ये वाला पेज खुल जाएगा यहां पर आप ये कुकीज वगैरह को कंटिन्यू कर देना और क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करोगे जब आप क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये चीजें आएंगी ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को आप लोग अग्री कर देना नेक्स्ट कर देना और फिर आप लोगों से यहां पर अपनी आपकी डिटेल्स मांगी जाएंगी आपको यूजर नेम जो आपकी मर्जी आए बनाना चाहते हो अपने लिए वो आप बना सकते हो लेकिन उसको याद रखना अपने आपने जो भी यूजर नेम बनाया है पासवर्ड आप बना सकते हो ठीक है याद रखना ईमेल एड्रेस ईमेल मेल को आपको फिर से डालना है अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम सिटी और कंट्री uh, डालना है और क्रिएट माई न्यू अकाउंट पर आपको क्लिक करना होगा जब आप क्रिएट माई न्यू अकाउंट पर क्लिक करोगे तो आपके ई मेल पर एक कंफर्मेशन लिंक जाएगा जब आप उस कंफर्मेशन लिंक को क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आप अपने डैशबोर्ड में चले जाओगे ठीक है तो आप ऑटोमेटिकली आपके डैशबोर्ड में चले जाओगे मैं आपको फटाफट से बता देता हूं कि डैशबोर्ड आपका कैसा लगता है तो जो हम लोगों ने डायरेक्ट टैक्स की क्लास में मैंने आप लोगों बताया था डायरेक्ट टैक्स की क्लास में मैंने एक डेमो आईडी करके थी। मैं वैसे ही बता दे रहा हूं तो जब आपका हो जाएगा तो जैसे हम लोगों ने सुबह क्रिएट किया था डेमो ठीक है डेमो किया था हम लोगों ने और पासवर्ड हमारा जो भी था पासवर्ड क्यों बताऊ आपको ये मेरा पासवर्ड था ठीक है तो यहां पर मैंने लॉगिन किया लॉगिन करने के बाद इस तरह का आपको डैशबोर्ड दिखाई देगा ठीक है तो जब आप लोग अपना एक्सेस कर लोगे जब आपका ईमेल पे कंफर्मेशन लिंक आएगा और कंफर्मेशन लिंक पे आप लोग जाओगे और कंफर्म कर दोगे तो इस तरह से आपका डैशबोर्ड दिखाई देगा होम पर जाओगे होम पर जाने के बाद आपको सी इंटरमीडिएट नवंबर 24 फोर इंडायरेक्ट टैक्स दिख जाएगा और सी इंटरमीडिएट नवंबर 24 फोर डायरेक्ट टैक्स दिख जाएगा ठीक है अगर आप इनडायरेक्ट टैक्स पर क्लिक करोगे तो फिर आपके सामने पूरा कोर्स आ जाएगा अभी आप लोगों को गेस्ट एक्सेस प्रोवाइडेड है ठीक है है अभी आप लोगों की गेस्ट एक्सेस प्रोवाइडेड जिससे आप लोग देख पाओ कि यहां पर हो क्या है तो टोटल हमारे सोलह चैप्टर चैप्टर का यहां पर है ये जनरल सेक्शन है यहां पर जीएसटी डिस्कशन हब का फोरम बना हुआ है तो अगर आपको कोई भी सवाल है कोई भी आपको जनरल डिस्कशन करना है आप यहां पर इस पे क्लिक पर क्लिक करोगे ऐड डिस्कशन टॉपिक पर करोगे आप अपना सवाल डालोगे लोग इस पर रिप्लाई करते रहेंगे और आराम से आपका काम चलता रहेगा ठीक है आपका काम आराम से इस तरह से चलता रहेगा अगर हम चैप्टर नंबर वन पर आते हैं तो हर स्पेसिफिक चैप्टर के लिए भी है तो आप इस पर आओगे और इससे रिलेटेड आप लोग यहां पर अपने टॉपिक्स वगैरह एड कर सकते हो ठीक है जो भी मैं क्विज़ेस लूंगा जो भी मैं समरी नोट्स दूंगा सारी की सारी चीजें आप लोगों को यहां पर देने वाला हूं ठीक है एलएमएस पसंद आ रहा है सब लोगों को एलएमएस सही लग रहा है सब लोगों को दिस हैज नेवर बिफोर एंड दिस विल हैपन नाउ ठीक है एलएमएस इज गोइंग टू बी फैंटास्टिक थैंक यू थैंक यू सो मच ठीक है तो एलएमएस में बहुत मजा आने वाला है एलएमएस में एक्चुअली बहुत मजा आने वाला है अच्छा अब सुनो इसके लिए करना क्या होगा जैसे आप होम पर आए ठीक है होम पर आए आपने सी इंटरमीडिएट नवंबर 24 पर क्लिक किया अब ये तो गेस्ट एक्सेस है अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो ना कि हाँ ठीक है मेरे को क्विज में पार्टिसिपेट करना है आपकी ग्रेडिंग भी होगी तो आपको ओवरऑल पता चलता रहेगा कि अमंग द रेस्ट अमंग द रेस्ट ऑफ द पीपल वेयर यू आर स्टैंडिंग राइट नाउ तो उसके लिए आपको एनरोल मी इन दिस कोर्स पर क्लिक करना होगा जब आप एनरोल मी इन दिस कोर्स पर क्लिक करोगे तो आपसे यहां पर एनरोलमेंट की मांगी जाएगी ठीक है अब की आपको मैं प्रोवाइड करूंगा आप मुझे व्हाट्सएप पर आप मुझे व्हाट्सएप पर अपनी एकाग्रता की इनवॉइस की पीडीएफ भेजोगे ठीक है आप मुझे एकाग्रता की इनवॉइस की पीडीएफ भेजोगे व्हाट्सएप पर अगर कोर्स की भी प्रोवाइड करूंगा, करूंगा अगर सिर्फ जीएससी का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ होगा तो डीटी का सब्सक्रिप्शन लिया होगा तो मैं आपको डीटी की एनरोलमेंट की प्रोवाइड करूंगा ठीक है तो इस तरह से आप लोग यहां पर एक्सेस कर सकते हो मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर बता देता हूं ठीक है मैं आपको व्हाट्सएप नंबर बता देता हूं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा एट डबल फोर डबल सेवन

ठीक है तो इस तरह से आपका कम्युनिटी की एक्सेस मिल जाएगी एट डबल फोर डबल सेवन फाइव सेवन वन सिक्स सेवन दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर इस पर आप अपनी एकाग्रता की इनवॉइस को सेंड करोगे तो आपको कम्युनिटी की एक्सेस मिलेगी ठीक है लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा एक आध दिन का टाइम आप लोग मान के चलना बिकॉज देर बॉट ऑफ इन वॉइस एट आई लेव टू गो थ्रू एड आई हैव टू प्रोवाइड दी एनरोलमेंट की फॉर एवरी ठीक है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है आप लोग बिल्कुल उसके लिए चिंता मत करना बट यू बी यू आर एडेड टू दी एमएस इट विल बी अमेजिंग ठीक है एलएमएस वाली बात क्लियर हो गई एल एम एस में कैसे एड होना है क्या होना है सारी बातें एकदम क्लियर हो गई <coughs> जल्दी बता दो सब कुछ क्लियर हो गया हां थर्टी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड में सब इंक्लूडेड है थर्टी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड में तो सब इंक्लूडेड है ठीक है थर्टी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज में सब इंक्लूडेड है तो अगर आपने वो बोथ ग्रुप्स कॉम्बो लिया है तब आपको दोनों डी टी DT, आईडी टी दोनों की एनरोलमेंट की मैं प्रोवाइड कर दूंगा ठीक है सर चलो बहुत बढ़िया बहुत शानदार बहुत ही अमेजिंग गेट स्टार्टेड तो जितने भी स्टूडेंट्स यहां पर देख रहे हैं आप लोग फटाफट से वीडियो को कर दो लाइक और शुरू करते हैं अपना मुद्दा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का सुनो मेरी बात अब बहुत ध्यान से हमारे पास दो प्रकार के टैक्सेस होते हैं ठीक है हमारे पास दो प्रकार के टैक्सेस होते हैं एक होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स ठीक है अब मैं आपको डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का टेक्निकल डिफरेंस बता रहा हूं लेकिन वो डिफरेंस आपको समझ में तब आएगा जब हम इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर जाएंगे अभी आपको सिर्फ सेंटेंसेस सुनने में मिलेंगे अभी हो सकता है आपको उतना समझ में ना आए ठीक है बर्डन फॉल्स ऑन द पर्सन पेइंग द टैक्स ठीक है और इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन डज नॉट फॉल ऑन द पर्सन पेइंग द टैक्स ठीक है डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि जो बंदा टैक्स पे कर रहा होता है उसी की जेब से टैक्स जा रहा होता है ठीक है अभी आपको इवेंचुअली समझ में आएगा धीरे धीरे समझ में आएगा आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है बहुत मजा आने वाला है यूट्यूब पे जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है आज की क्लास ठीक है डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि जो बंदा टैक्स पे कर रहा है उसी की जेब से पैसा निकल रहा है इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है जो बंदा पे कर रहा है उसकी जेब से नहीं निकल रहा है वो किसी और की जेब से निकल रहा है ठीक है वो किसी और की जेब से निकल रहा है मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूं आप जब मेकडॉनल्ड में बर्गर खाने जाते हो आप मेकडॉनल्ड में बर्गर खाने जाते हो सपोज पचास रुपए का बर्गर है सपोज पचास रुपए का बर्गर है इसके ऊपर ढाई रुपए का जीएसटी लगता है इसके ऊपर ढाई रुपए का जीएसटी लगता है आप मेकडोनल्ड वाले को फिफ्टी टू पॉइंट फाइव रुपीज पे कर देते हो ठीक है आप मेकडोनल्स वाले को फिफ्टी टू पॉइंट फाइव रुपीज पे कर देते हो मैं मानकर चल रहा हूं टू पॉइंट फाइव रुपीज का जीएसटी ठीक है तो फिफ्टी टू पॉइंट फाइव रुपीज आप मैकडोनल्स को पे कर देते हो मेकडोनल्ड वाला इस ढाई रुपए को गवर्नमेंट को पे कर देता है मैकडोनल्ड वाला यह ढाई रुपया गवर्नमेंट को पे कर दे रहा है मुझे बताओ टैक्स किसने पे किया टैक्स मैकडोनल्ड्स वाले ने पे किया टैक्स किसने पे किया टैक्स मैकडॉनल्ड्स वाले ने पे किया लेकिन क्या मैकडॉनल्ड्स ने अपनी जेब से टैक्स पे किया नहीं आपने ढाई रुपए मैकडॉनल्ड्स को दिए थे मैकडॉनल्ड्स ने ये वाले ढाई रुपए उठाकर सरकार को दे दिए। तो डायरेक्टली डायरेक्टली आपने नहीं दिए सरकार को आपने इनडायरेक्टली सरकार को ढाई रुपए दिए इनडायरेक्टली कैसे कि आपने मैकडॉनल्ड्स को दिया मैकडॉनल्ड्स ने सरकार को दिया डायरेक्ट टैक्स में क्या हो रहा था कि मेरी इनकम आ रही थी बारह लाख रुपए लाख रुपए और मैं खुद उस पर टैक्स कैलकुलेट करके सरकार को दे रहा था इनडायरेक्ट टैक्स में क्या हुआ कि मैंने बर्गर खरीदा अब बर्गर पर ढाई रुपए का जीएसटी लग गया बर्गर पर ढाई रुपए का जीएसटी लग गया मैकडॉनल्ड्स वाला क्या करेगा यह ढाई रुपए मुझसे लेगा और सरकार को दे देगा ये ढाई रुपए मुझसे लेगा और सरकार को दे देगा तो जेब से मेरी गया लेकिन पे 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 किसने किया 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 मैकडॉनल्ड्स वाले ने किया। क्या मैंने मैंने डायरेक्टली सरकार को नहीं इनडायरेक्टली सरकार को पे किया एंड हेंस दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स क्या आपको डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया अभी इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी क्या है कैसे है ये सारी चीजें तो हम लोग आएंगे लेकिन हैव यू अंडरस्टूड द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स यस यस हैव यू अंडरस्टूड द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स ठीक है फर्क क्या हुआ डायरेक्ट टैक्स में आपने अपनी जेब से निकालकर खुद सरकार को पे किया इनडायरेक्ट टैक्स में आपकी जेब से गया लेकिन आपने सरकार को पे नहीं किया सरकार को किसी और ने पे किया डन बहुत बढ़िया वेरी नाइस वेरी गुड बहुत बढ़िया अब देखो हमेशा से हमेशा से सेल ऑफ गुड्स पर हमेशा से सेल ऑफ गुड्स पर एक टैक्स लगता था जिसको बोलते थे सेंट्रल सेल्स टैक्स मतलब जब भी कोई भी सामान इंसान बेचता था जैसे मैं हूं ठीक है लेट से मैं हूं ठीक है और मैं सामान बेच रहा हूं किसको मैं आप ही का एग्जाम्पल ले ले रहा हूं सपोज मैंने वीरू को टैक्स वीरू को मैंने सामान बेचा ठीक है मैंने सपोज वीरू को सामान बेचा मैंने सौ रुपए का सामान बेचा सौ रुपए का सामान बेचा तो सरकार कहती थी कि तो रुपए में इस पे और ले लेता था तो मैं वीरू से कितना लेता था मैं वीरू से एक दस लेता था मैं वीरू से एक लेता था यह सौ तो मेरी जेब में जाते थे और ये दस रुपए में सरकार को पे कर देता था सौ रुपए मेरी जेब में जाते थे दस रुपए में सरकार को पे कर देता था तो हमेशा से एक सेंट्रल सेल्स टैक्स नाम की चीज हमेशा से एग्जिस्ट करती थी ठीक है हमेशा से सेंट्रल सेल्स टैक्स नाम की चीज एग्जिस्ट करती थी कि सपोज मैंने वीरू को सामान बेचा सौ रुपए का सरकार कहती थी नहीं सौ रुपए पर दस रुपए का एक सेल्स टैक्स भी लगा लो टोटल हो जाता था एक सौ दस रुपए दस रुपए में सरकार को पे कर देता था सौ रुपए मेरे पास आते थे वीरू की जेब से एक सौ दस रुपए निकलते थे और वीरू की जेब से दस रुपए निकलकर कहा जाते थे सरकार के पास चले जाते थे ठीक है तो यह सेंट्रल सेल्स टैक्स हमेशा से एग्जिस्ट करता था हमेशा से एग्जिस्ट करता था तो एनी पर्सन हु वुड सेल गुड्स टू एनी वन वु चार्ज टैक्स ऑन द वैल्यू ऑफ द गुड्स Later on, a tax was introduced on the provision of services, also, which is called the service tax. ठीक है तो पहले सिर्फ सेल ऑफ गुड्स पर टैक्स होता था बाद में प्रोविजन ऑफ सर्विसेज पर भी होने लग गया मतलब मैं क्या कर रहा हूं मैं आपको कोई सामान बेच रहा हूं क्या नहीं मैं आपको पढ़ा रहा हूं मैं आपको एजुकेशन की सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं तो जब मैं आपसे फीस चार्ज करूंगा तो उस फीस पर भी मैं आपसे कुछ एक्स्ट्रा पैसा ले लूंगा जिसको हम लोग बोलते थे सर्विस टैक्स जिसको हम लोग बोलते थे सर्विस टैक्स तो एनी पर्सन हु वुड प्रोवाइड एनी सर्विसेज टू एनीवन वुड चार्ज अ टैक्स ऑन द वैल्यू ऑफ सर्विसेज अब इन दोनों टैक्सेस को मिला दिया गया है और एक गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बना दिया गया है ठीक है अब गुड्स पर देने वाला जो सेल्स टैक्स है और सर्विसेज पर सर्विस टैक्स है और गुड्स एंड सर्विस क्यों इतना मेजर चेंज लाने की जरूरत क्या थी क्या जरूरत थी ये सारी चीजें करने की इन दोनों को मर्ज कर दो ये कर दो वो कर दो ये जानने के लिए हम लोगों को पहले जो एग्जिस्टिंग टैक्सेशन सिस्टम था यानी सेल्स टैक्स वाला उससे रिलेटेड हमें प्रॉब्लम समझनी होंगी ठीक है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम थी क्या क्या प्रॉब्लम थी इन प्रॉब्लम्स को हम लोग समझेंगे ठीक है कोई कुछ नहीं लिखेगा सब कुछ आपके नोट्स में दिया हुआ है बहुत आराम से बस सुनते रहो ठीक है वीडियो को लाइक कर दो यूट्यूब पर और बस सुनते रहो बहुत मजा आएगा ठीक है सिर्फ आपको सुनना है और आपको कुछ नहीं करना है ठीक है जब आप सुनोगे ना चीजों को एब्सॉर्ब करोगे तो आपको सारी की सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी कोई डाउट आपका नहीं रहेगा एंड आई एक्चुअली बी एबल टू अप्रिशिएट कि जीएसटी क्यों आया क्या प्रॉब्लम होती थी ठीक है मैं जब तक आपको वो प्रॉब्लम नहीं बताऊंगा ना तब तक यू वोट बी एबल टू अप्रिशिएट कि जीएसटी आया क्यों ठीक है और तब तक आपको जीएसटी का जो पर्पज है वही नहीं समझ में आएगा तो जब आपको जीएसटी का पर्पज ही नहीं समझ में आएगा तो आपको जीएसटी भी समझ में आना बहुत मुश्किल हो जाएगा ठीक है तो अभी हम आज की क्लास में और कल की क्लास में तो हम लोग यही बात करेंगे जीएससी का इंट्रोडक्शन आज और कल की क्लास में जीएससी का इंट्रोडक्शन होने वाला है तो अभी अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना सपोज ए मैन्युफैक्चर कर रहा है कुछ सामान मैन्युफैक्चर कर रहा है ठीक है और वो बी को बेच बी को बेच दे रहा है बी कौन है रिटेलर है तो ए ने क्या किया ए ने सामान को मैन्युफैक्चर किया और उसको बी को बेच दिया बी ने कुछ तो उसमें प्रोसेसिंग की और सेम चीज उसने सी को बेच दी ठीक है बी ने उसमें कुछ तो प्रोसेसिंग की और उसने सी को बेच दिया ठीक है अब देखो यहां पर सिस्टम कैसा चल रहा है बहुत ध्यान से सुनना मैन्युफैक्चर है तो उसने कुछ मतलब एस सच कोई वो सामान तो खरीदा नहीं होगा परचेस प्राइस का नहीं ला ठीक है बहुत ध्यान से सुनते रहना सपोज ए का डेढ़ सौ रुपए का रॉ मटीरियल लगा डेढ़ सौ रुपए का रॉ मटीरियल लगा चालीस रुपए की लेबर कॉस्ट लगी चालीस रुपए की लेबर कॉस्ट लगी बीस रुपए के ओवरहेड्स लग गए बीस रुपए के ओवरहेड्स लग गए और इसने कहा पैतीस रुपए मेरा प्रॉफिट मार्जिन इसने कहा पैंतीस रुपए मेरा प्रॉफिट मार्जिन तो टोटल कितना आया टोटल कितना आया टोटल कितना आया टोटल कितना आया वन फिफ्टी प्लस फोर्टी प्लस ट्वेंटी प्लस थर्टी फाइव कितना हुआ टू हंड्रेड एंड फोर्टी फाइव टू तो ये जैसे ही बी को टू हंड्रेड में सामान बेचने जा रहा था सरकार कहती है रुको 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 सेल्स टैक्स भी लगाओ टैक्स लगाओ इसमें टैक्स लगाओ इसने सरकार ने कहा साढ़े बारह परसेंट के रेट से टैक्स लगाओ हमने कहा ठीक है साढ़े बारह परसेंट के रेट से टैक्स लगाते थर्टी पॉइंट सिक्स थ्री रुपीज का थर्टी पॉइंट सिक्स थ्री रुपीज का टैक्स आया प्लस टू फोर्टी फाइव यह हो गया टू सेवेंटी फाइव पॉइंट सिक्स थ्री ये हो गया 275.63 मतलब ए ने जब बी को सामान बेचा तो कितने में बेचा 275.63 रुपीस में बेचा मुझे एक बात बताओ क्या ये 30 रुपए 63 पैसा ए की इनकम है यस और नो क्या ये 30 रुपए 60 पैसा ए की इनकम है क्या ये ए की जेब में जाएगा यस और नो फटाफट से कम ऑन चैट सेक्शन क्या ये 30 रुपए 63 पैसा ए की इनकम है यस और नो कम ऑन कम ऑन कम ऑन क्या ये 30 रुपए 63 पैसा ए की इनकम है नहीं

बीस रुपए की स्टोरेज कॉस्ट लगी और बी ने कहा मैं बीस रुपए प्रॉफिट ले लेता हूं बी ने कहा बीस रुपए में प्रॉफिट ले लेता हूं अब बी कितने में बेच रहा है बी कितने में बेच रहा है आओ देखो थ्री हंड्रेड एंड फिफ्टी पॉइंट सिक्स थ्री में लेकिन जैसे ही बी बेचने लग गया सी को सरकार कहती है रुको 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 सेल्स टैक्स लगा लो तो इसने क्या किया साढ़े बारह परसेंट का सेल्स टैक्स लगाया थर्टी नाइन पॉइंट फोर फाइव तो ये हो गया 315.63 प्लस 39.45 कितना हो गया 355.08 ये हो गया मुझे जल्दी से बताओ, क्या ये फिफ्टी फाइव पॉइंट पैसे बी की इनकम है क्या ये थर्टी नाइन रुपीज फोर्टी फाइव पैसे बी की इनकम है हाँ या ना कम ऑन चार्ट सेक्शन क्या ये थर्टी नाइन रुपीज फोर्टी फाइव पैसे बी की इनकम है यस और नो आई नीड ऑल ऑफ यू टू आंसर नो ठीक है बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल नहीं क्योंकि यह पैसा इसको सरकार को देना होगा ठीक है अब आओ अब आओ मेन खेल अब शुरू हो रहा है मेन खेल अब शुरू हो रहा है अब बहुत ध्यान से बात सुनते रहना ठीक है पूरा का पूरा खेल अब शुरू हो रहा है देखो <coughs> 355.08 ये जो है आओ इसको तोड़ा जाए ये जो 355.08 है ना आओ इसको एक बार तोड़ते हैं इसमें है क्या इसमें है क्या इसमें थ्री फिफ्टीन पॉइंट सिक्स थ्री तो ये प्राइस हो गया प्लस थर्टी नाइन पॉइंट फोर फाइव ये हो गया ठीक है जितना जितना बता रहा हूं उतना उतना सुनते रहे हो गया प्लस थर्टी नाइन पॉइंट फोर फाइव ये हो गया ठीक है कितना था थ्री फिफ्टीन पॉइंट सिक्स थ्री थ्री फिफ्टीन पॉइंट सिक्स थ्री थर्टी नाइन पॉइंट फोर फाइव थर्टी नाइन पॉइंट फोर फाइव मुझे एक बात बताओ ये 39.45 कैसे आया ये जो 39.45 है ये कहां से आया इसके ऊपर साढ़े बारह परसेंट सेल्स टैक्स लगाने से आया ना तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये आया है इन टू साढ़े बारह परसेंट करके ये बात समझ में आ रही है सबको 355.08 ये जो है इसका मैं डाइसेक्शन कर रहा हूं इसका डाइसेक्शन करके ये आपको समझ में आएगा कि प्रॉब्लम क्या है ठीक है इसका डाइसेक्शन करके आपको समझ में आएगा 355.08 को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हमने एक तो ये 315.63 और दूसरा ये 39.45 ठीक है और ये 39.45 आया क्या इस पर साढ़े बारह परसेंट का वो लगा तभी तो आया 315.63 के ऊपर साढ़े बारह परसेंट लगा तो ये आ गया ठीक है अब सुनो ये जो थ्री है ना इसको तोड़ते हैं ये थ्री फिफ्टीन कहां से आया एक तो ये टू और ये फोर्टी यस yes, ये परचेज टू सेवेंटी फाइव पॉइंट सिक्स थ्री प्लस ये फोर्टी रुपीज ठीक है आओ इसको लिखते हैं ठीक है दिस इज टू सेवेंटी फाइव पॉइंट सिक्स थ्री और यह आपका फोर्टी रुपीज अब मुझे, एक बताओ। अब मुझे एक बताओ। अगर थ्री फिफ्टीन पॉइंट सिक्स थ्री के ऊपर ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंट लग रहा है और थ्री फिफ्टीन पॉइंट सिक्स थ्री के ये दो कॉम्पोनेंट है इसका मतलब है कि इस पर भी साढ़े बारह परसेंट का टैक्स लग रहा है और इस पर भी साढ़े बारह परसेंट का टैक्स लग रहा है यस yes. फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं यू हैव टू बी वेरी पेशेंट एंड आई एम गोइंग वेरी स्लो ठीक है यू हैव टू हैेश अगर थ्री फिफ्टी पॉइंट पर बारह परसेंट का टैक्स लग रहा है और थ्री फिफ्टीन कम्प्राइजेस टू एलिमेंट्स मतलब टू सेवेंटी फाइव पॉइंट सिक्स थ्री पर भी साढ़े बारह लग रहा है और फोर्टी पर भी साढ़े बारह लग रहा है यस yes? अग्री कर रहे हो इस बात से अग्री करो वेरी गुड वेरी गुड ठीक है वेरी नाइस nice. बहुत बढ़िया ठीक अब आगे देखो ये जो 275.63 है इस पर लगाओ साढ़े बारह परसेंट देखो कितना आता है? 275.63 ये जो है 275.63 इस पर लगाओ साढ़े बारह परसेंट कित है थर्टी फोर पॉइंट फोर फाइव आ रहा है थर्टी फोर पॉइंट फोर फाइव मैं इसको लिख दे रहा हूं यहां थर्टी फोर पॉइंट फोर फाइव ये आया कैसे यह आया टू सेवेंटी फाइव पॉइंट सिक्स थ्री इन टू साढ़े बारह परसेंट ये ऐसे आया ठीक है तो इस पर जो साढ़े बारह परसेंट है वो ये आया थर्टी फोर पॉइंट फोर फाइव राइट सिमिलरली चालीस रुपए पर भी साढ़े बारह परसेंट लगेगा चालीस पर अगर मैं साढ़े बारह परसेंट लगाऊंगा तो कितना आएगा पांच आएगा तो मैं यहां लिख देता हूं पांच रुपए और यहां मैंने लिख दिया चालीस पर साढ़े बारह परसेंट चालीस पर मैंने लिख दिया साढ़े बारह परसेंट तो ये क्या हो गया ये आ गया आपका फोर्टी पर इतना ठीक है एंड आई होप आप लोग अग्री करोगे कि ये जो है थर्टी फोर पॉइंट फोर फाइव और ये फाइव ये थर्टी नाइन पॉइंट फोर फाइव का ब्रेकअप हुआ थर्टी नाइन पॉइंट फोर फाइव का ही तो ब्रेकअप हुआ भाई थ्री फिफ्टीन पॉइंट सिक्स थ्री इस पर साढ़े बारह परसेंट लगा ये आया ठीक है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया ये दोनों आए अगर इस पर साढ़े बारह लग रहा है तो इन दोनों पर भी साढ़े बारह लगेगा और इन दोनों पर जो साढ़े बारह लगेगा वो थर्टी नाइन पॉइंट फोर फाइव का ब्रेकअप होगा यहां तक की बात सबको समझ में आ रही है यहां तक की बात सबको समझ में आ रही है फटाफट से बता दो यहां तक सबको क्लियर है यहां सबको क्लियर है फटाफट से बताओ ये क्लियर है सबको वेरी गुड बहुत बढ़िया आओ इसको फर्दर ब्रेक करते हैं इसको फर्दर ब्रेक करते हैं ये जो टू सेवेंटी फाइव पॉइंट सिक्स थ्री है ना इसको ब्रेक करते हैं लेट्स सी। बड़ा मजा आएगा। सारी चीजें एकदम क्लियरली समझ 275.63 को ब्रेक करते टू ओ फाइव मिटा दिया पॉइंट सिक्स थ्री रहा आपका 275.63 ये 275.63 275 कहां से आया 245 प्लस 30.63 टू है फाइव प्लस 245 पॉइंट सिक्स ठीक फोर्टी फाइव प्लस थर्टी क्लियर हो गई बात मुझे एक बात बताओ मुझे एक बात बताओ कि ये 30.63 पॉइंट कहां से आया इसके ऊपर साढ़े बारह परसेंट लगाने से आया ठीक है ये 30.63 पॉइंट कहां से आया इसके ऊपर साढ़े बारह परसेंट लगाने से आया आओ देखो अब मजेदार चीज आपको दिखाई देगी 245 फोर्टी फाइव ये कैसे आया 245 फोर्टी फाइव साढ़े बारह परसेंट यह आ गया थर्टी पॉइंट सिक्स मजे की बात अब आप यहां पर देखो मजे की बात देखो ये क्या है टू सेवेंटी के ऊपर साढ़े बारह परसेंट लगा है ये ठीक है टू सेवेंटी फाइव पॉइंट सिक्स थ्री के ऊपर साढ़े बारह परसेंट लगा है ये और टू सेवेंटी फाइव पॉइंट सिक्स थ्री क्या है दिस प्लस दिस ठीक है टू सेवेंटी फाइव पॉइंट सिक्स थ्री क्या है दिस दिस तो अगर 275.63 के ऊपर साढ़े बारह परसेंट लगा है तो डोंट यू थिंक अगर मैं इसको तोड़ना चाहूं अगर मैं इसको तोड़ना चाहूं तो मैं ऐसे कर सकता हूं 245 का साढ़े बारह परसेंट और 30.63 का साढ़े बारह परसेंट क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं बिल्कुल लिख सकता हूं ठीक है अब मजे की बात देखो जब आप यहां पर 245 का साढ़े बारह परसेंट निकालते हो जब आप यहां पर 245 का साढ़े बारह परसेंट निकालते हो तो क्या आता है 30.63 आता है पॉइंट आया 30.63 पॉइंट सिक्स थ्री और जब आप 30.63 का निकालते हो 30.63 का साढ़े बारह परसेंट निकालते हो तो कितना आता है 3.83 आता है ये क्या आता है आपका 3.83 अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना ये जो डाइसेक्शन किया है ना इस डाइसेक्शन से आपको दो मेजर प्रॉब्लम्स दिखाई देंगी देखो क्या हो क्या रहे बहुत ध्यान से सुनना बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना 245 के ऊपर टैक्स लगा 30.63, ठीक है 245 के ऊपर टैक्स लगा 30.63, ये आया 275, ठीक है ये इस पर यह ये जोड़ा गया चालीस रुपए क्या वैल्यू एडिशन हुआ ओवरहेड्स और प्रॉफिट जोड़ा गया और इन दोनों के ऊपर साढ़े बारह साढ़े बारह परसेंट टैक्स लगाया गया इन दोनों के ऊपर फिर से साढ़े बारह परसेंट टैक्स लगाया गया आप इसमें देखकर साफ साफ बताओ दो सौ पैंतालीस रुपए पर एक बार यहां पर टैक्स लग रहा है और एक बार यहां पर टैक्स लग रहा है कैन दो सौ पैंतालीस रुपए के ऊपर दो बार टैक्स लग रहा है एक बार यहां और एक बार यहां कैन यू सी दिस जल्दी से मेरे को अग्री कर दो कैन यू ऑल सीरियस दो सौ पैंतालीस रुपए के ऊपर एक बार तो यहां पर टैक्स लगा साढ़े बारह परसेंट एक बार कब टैक्स लगा जब ए ने बी को बेचा तब दो रुपए के ऊपर टैक्स लगाया गया जब बी ने सी को बेचा तो फिर इस पूरे के ऊपर साढ़े बारह परसेंट टैक्स लगा ना ये 275 पर भी लगा और ये 40 पर भी लगा ठीक है तो जब बी ने सी को बेचा जब बी ने सी को बेचा तो इस पूरे 275.60 पर टैक्स लगा <coughs> मतलब 245 के ऊपर फिर से टैक्स लगा यस 245 के ऊपर फिर से टैक्स लगा एक बार फिर से मतलब जिस अमाउंट के ऊपर एक बार टैक्स लग चुका था उसके ऊपर एक बार फिर से टैक्स लग गया इस प्रॉब्लम को बोलते हैं टैक्स ऑन इस प्रॉब्लम को बोलते हैं डबल टैक्सेशन यह प्रॉब्लम है सर डबल टैक्सेशन की डबल टैक्सेशन है एक ही अमाउंट के ऊपर सेम टाइप सेम टाइप ऑफ टैक्स एक ही अमाउंट के ऊपर सेम टाइप ऑफ टैक्स साढ़े बारह परसेंट का सेल्स टैक्स दो सौ पैंतालीस के ऊपर यहां पर भी लग रहा है साढ़े बारह परसेंट का सेल्स टैक्स 245 के ऊपर यहां पर भी लग रहा है जब एक ही अमाउंट के ऊपर एक ही इनकम के ऊपर जब एक ही वैल्यू के ऊपर सेम टाइप का टैक्स दो बार लगता है उसको बोलते हैं डबल टैक्सेशन उसको क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं डबल टैक्सेशन क्या ये बात क्लियरली समझ में आ रही है जब एक ही वैल्यू के ऊपर सेम टाइप का टैक्स दो बार लगता है इसको बोलते हैं डबल टैक्सेशन और एक कमाल की बात देखो और एक कमाल की बात देखो 30.63 के ऊपर भी तो टैक्स लग रहा है फिर से 245 के ऊपर टैक्स लगा आया 30.63 इस पूरे के ऊपर फिर से टैक्स लगा यानी 245 पर टैक्स लगा और 30.63 पर टैक्स लगा भाई साहब ये तो वैल्यू भी नहीं थी ये जो 30.63 पॉइंट सिक्स है तो हमारी वैल्यू भी नहीं थी ये तो हमने टैक्स ही लेकर सरकार को दिया था मतलब जो टैक्स हम लेकर सरकार को दे रहे उस पर एक बार फिर से टैक्स लगाया जा रहा है जो टैक्स हम लेकर सरकार को दे रहे हैं उस पर एक बार फिर से टैक्स लगाया जा रहा है इसको बोला जाता है टैक्स ऑन टैक्स इसको बोला जाता है टैक्स ऑन टैक्स और टैक्स ऑन टैक्स को कहा जाता है कैस्केडिंग इफेक्ट टैक्स ऑन टैक्स को कहा जाता है कैस्केडिंग इफेक्ट मैं चैट सेक्शन में देख रहा था कई सारे लोग डबल टैक्सेशन को कैस्केडिंग इफेक्ट कह रहे थे रॉन्ग एब्सोल्युटली रॉन्ग ठीक है, डबल टैक्सेशन जब एक वैल्यू के ऊपर एक टाइप का टैक्स दो बार लग रहा है जैसे यहां पर टू फोर्टी फाइव के ऊपर तो तो लेकिन ये जो टैक्स अमाउंट है इसके ऊपर क्यों टैक्स लगा दिया भैया इसके ऊपर क्यों टैक्स लगा दिया जब टैक्स के ऊपर लगता है उसको टैक्स ऑन टैक्स कैस्केडिंग इफेक्ट कहा जाता है क्या ये दोनों मेजर प्रॉब्लम्स आप लोगों को समझ में आ रही हैं? क्या ये दोनों मेजर प्रॉब्लम आप लोगों को समझ में आ रही है एक बार फिर से देखो मैं क्विकली आपको एक बार पूरे पूरा का पूरा रिकॉल करके दिखा रहा हूं पूरा का पूरा मैं आप लोगों को रिकॉल करके दिखा रहा हूं एक बार फिर से देखना क्विकली ठीक है अभी आप लोगों को पता चल गया ना कि एंड में हम लोगों को पहुंचना कहां है तो अब आप लोगों का दिमाग थोड़ा सा और चलेगा राइट right? देखो हुआ क्या ए ए जो है वो मैनुफैक्चर है इसने डेढ़ सौ रुपए का रॉ मटेरियल खरीदा चालीस रुपए लेबर लगाया बीस रुपए के ओवरहेड लगाए पैंतीस रुपए का इसने प्रॉफिट जोड़ा इसकी टोटल सेल वैल्यू आई टू फोर्टी फाइव सरकार ने कहा भाई साढ़े बारह परसेंट टैक्स भी लगा लेने तीस रुपए तिरसठ पैसे का टैक्स लगाया दो सौ पचहत्तर रुपए तिरसठ पैसे में बी को बेच दिया बी के लिए परचेस प्राइस आ गया दो सौ पचहत्तर रुपए तिरसठ पैसे B के लिए परचेस प्राइस आ गया दो सौ पचहत्तर रुपए तिरसठ पैसे बी का बी के पास कोई रॉ मटेरियल लेबर वाली कॉस्ट नहीं आई बी ने ओवरहेड लगाए बीस रुपए के बी ने अपना प्रॉफिट एड किया बीस रुपए का और बी के लिए सेलिंग प्राइस आ गया तीन सौ पंद्रह रुपए तिरसठ पैसे सरकार ने कहा भाई रुक जाओ इस पर टैक्स लगाओ साढ़े बारह परसेंट के रेट से टैक्स लगा और थ्री फिफ्टी फाइव पॉइंट जीरो एट पर बी ने सी को बेचा ठीक है थ्री फिफ्टी फाइव पॉइंट जीरो एट पर बी ने सी को बेचा हम कह रहे हैं कि ये जो थ्री फिफ्टी फाइव पॉइंट जीरो एट है जिस प्राइस पर बी ने सी को बेचा आओ इसको डाइसेक्ट किया जाए इसमें क्या क्या आ रहा है इसमें एक तो ये आ रहा है थ्री और इसमें ये आ रहा है 39.45 ठीक है तो हम लोगों ने सबसे पहले यहां लिखा थ्री और ये आया 39.45 ये आया कैसे ये आया साढ़े बारह परसेंट करके ये आया साढ़े बारह परसेंट करके तो 315.63 हंड्रेड पॉइंट सिक्स थ्री इंटू साढ़े बारह परसेंट यह आ गया थर्टी नाइन पॉइंट फोर फाइव ठीक है हमने कहा आओ इसको और तोड़ते हैं फिफ्टीन पॉइंट को और तोड़ते हैं ये ये इसमें इसमें में क्या है है ठीक तो यहां पर मैंने बोला फोर्टी रुपीज अगर अगर इस पर साढ़े बारह परसेंट लग रहा है मतलब इन दोनों पर भी साढ़े बारह परसेंट लग रहा है टू सेवेंटी फाइव पॉइंट सिक्स थ्री पर साढ़े बारह परसेंट लग रहा है अगर टू 275.275.63 uh, फाइव पॉइंट टू सेवेंटी फाइव पॉइंट सिक्स थ्री पर साढ़े बारह परसेंट लग रहा है तो ये है क्या थर्टी फोर पॉइंट फोर फाइव है ये है आपका थर्टी फोर पॉइंट फोर फाइव थर्टी फोर पॉइंट फोर फाइव तो ये आया टू सेवेंटी फाइव पॉइंट बारह परसेंट और अगर इस पर भी फोर्टी पर भी लग रहा है तो ये कितना आएगा फोर्टी पर साढ़े बारह परसेंट यह कितना आया पांच रुपए आया ये आया पांच रुपए ठीक है फोर्टी पर साढ़े बारह परसेंट 40 पर साढे परसेंट हमने कहा आओ इसको और तोड़ते हैं ये जो 275.63 था ये जो 275.63 था इसमें क्या-क्या था 275.63 के अंदर ये था 245 और ये था 30.63 ठीक है तो मैंने कहा इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ये आ गया 245 और ये आया 30.63 30.63 मुझे एक बात बताओ 245 से 30.63 कैसे आया इस साढ़े बारहसेंट लगा के टू फोर्टी फाइव इंटू साढ़े बारह परसेंट ठीक है टू फोर्टी बारह परसेंट सिक्स देखो टू फोर्टी फाइव कितना है थीके? मतलब क्या हुआ कि अगर 245 और पर मिलाकर 275.63 आ रहा है और ये है क्या ये वाला देखो ये 34.45 क्या है ये 34.45 इसका साढ़े बारह परसेंट है थर्टी फोर पॉइंट फोर फाइव इसका साढ़े बारह परसेंट है और ये क्या है दिस प्लस दिस मतलब इस पर भी साढ़े बारह परसेंट और इस पर भी साढ़े बारह परसेंट ठीक है तो ये आया आपका टू फोर्टी फाइव पर साढ़े बारह परसेंट और थर्टी पॉइंट सिक्स पर साढ़े बारह परसेंट अब ये वाला स्टेप सबको क्लियर हो रहा होगा अगर पिछली बार नहीं भी क्लियर था तो अभी स्टेप क्लियर हो रहा होगा एक बार फिर से देख लो टू सेवेंटी फाइव पॉइंट थ्री पर साढ़े बारह परसेंट लगा तभी तो यह थर्टी फोर पॉइंट फोर फाइव आया

अभी एकदम क्लियर हो गया चलो आओ अब देखो ये 245 पर साढ़े बारह परसेंट इधर भी तो लग चुका है और फिर से इधर लग रहा है तो ये कितना आया ये आया ये इसको बोलते हैं डबल टैक्सेशन इसको क्या बोलते हैं डबल टैक्सेशन एक वैल्यू के ऊपर जब एक से ज्यादा बार टैक्स लग रहा है एक ही वैल्यू के ऊपर 245 के ऊपर ही यहां पर भी साढ़े बारह परसेंट लगा और 245 के ऊपर यहां पर भी साढ़े बारह परसेंट लग गया तो दो बार टैक्स लग गया डबल टैक्सेशन हो गया और मजे की बात भाई ये थर्टी पॉइंट पर भी टैक्स लग गया थर्टी पॉइंट पर भी टैक्स लग गया ये आ गया टैक्स टैक्स के ऊपर लगा, ये आया आपका टैक्स ऑन टैक्स और इसको बोलते हैं क्या इसको बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट इसको बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट ठीक है मुझे एक बात बताओ मुझे एक बात अब बताओ कि अगर बी ने जब सी को प्रोडक्ट बेचा बी ने जब सी को प्रोडक्ट बेचा तो कितने रुपए का वैल्यू एडिशन किया चालीस रुपए का ही तो वैल्यू एडिशन किया एक तो ये ओवरहेड कॉस्ट लगी एक इसका प्रॉफिट हो गया अब यहां पर कई सारे लोग कहते हैं सर प्रॉफिट वैल्यू एडिशन कैसे कह रहे हो आप ओवरहेड कॉस्ट लग गई मान लिया हमने वैल्यू एडिशन लेकिन इसने अपना प्रॉफिट जोड़ा इसको आप वैल्यू एडिशन कैसे कह रहे हो तो टेक्निकली वैल्यू एडिशन का मतलब क्या होता है value addition का मतलब ठीक है? तो वैल्यू एडिशन का मतलब technical terms में अगर हम लोग देखें एडिशन का मतलब ये नहीं कि इसकी कीमत बढ़ा दी ठीक है वैल्यू एडिशन का मतलब ये नहीं होगा कि हाँ इसकी वैल्यू बढ़ा दी है ऐसा कुछ नहीं है वैल्यू एडिशन का सिंपल मतलब है आपने खरीदा कितने में था बेचा बेच कितने में रहे हो दोनों का डिफरेंस ठीक है तो आपने टू में खरीदा था, में खरीदा था चालीस रुपए एक्स्ट्रा में आप बेच रहे हो बीस रुपए का टैक्स नहीं लगता माल बेच रहा है तो सिर्फ चालीस रुपए पर टैक्स लगना चाहिए था। मतलब रुपए पर टैक्स है दिस इज ओके क्योंकि टू पर दोबारा लगाना तो मतलब डबल टैक्सेशन और टैक्स ऑन टैक्स क्या इफेक्ट यस

दो मेजर प्रॉब्लम्स थी एग्जिस्टिंग टैक्सेशन सिस्टम में ठीक है ये दो मेजर प्रॉब्लम्स थी एग्जिस्टिंग टैक्स सिस्टम में <coughs> अब आगे सुनो मेरी बात जब भी आपका ट्रांजेक्शन होता है ना तो दो प्रकार के ट्रांजेक्शन होते हैं ठीक है दो टाइप के ट्रांजेक्शन होते हैं एक ट्रांजेक्शन आपका होता है इंटर स्टेट और एक ट्रांजेक्शन आपका होता है इंट्रास्टेट एक होता है, होता है इंटर स्टेट और दूसरा होता है इंट्रा स्टेट इंटर स्टेट का मतलब होता है जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल बेच रहे हो मतलब अगर मैं उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश में माल बेच रहा हूं तो इसको बोला जाता है इंटर स्टेट लेकिन अगर मैं उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश में ही माल बेच रहा हूं तो इसको बोला जाता है इंट्रा स्टेट ठीक है अगर मैं उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश में माल बेच रहा हूं इसको बोलते हैं इंटर स्टेट और अगर मैं उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश में ही माल बेच रहा हूं इसको क्या बोलते हैं इंट्रा स्टेट ये बात क्लियर होगी ठीक है मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं आप मेरे को यहां पर बताना चार्ट सेक्शन में ठीक है मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं आप मुझे चार्ट सेक्शन में बताना ठीक है मैं आपको सवाल पूछ रहा हूं बताओ अगर मैं प्रयागराज से लखनऊ माल बेचूंगा इंट्रा स्टेट हुआ या इंटर स्टेट हुआ फटाफट से बताओ अगर मैं प्रयागराज से लखनऊ में माल बेचूंगा प्रयागराज से लखनऊ में माल जाएगा तो ये इंट्रा स्टेट हुआ या इंटर स्टेट हुआ कमान 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 क्विकली Quickly, quickly, quickly. Come on, come on, on, quickly. ये क्या हो गया ये हो गया आपका इंटरास्ट रेट ठीक है और अगर मैं प्रयागराज से रायपुर में माल बेचूंगा तो क्या हो जाएगा अगर मैं प्रयागराज से रायपुर में माल बेचूंगा तो क्या हो जाएगा प्रयागराज से रायपुर बेचा तो क्या हुआ तो ये हो गया इंटर ठीक है प्रयागराज से रायपुर बेचा तो ये हो गया इंटर तो प्रयागराज से लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश में तो इंट्रा स्टेट उत्तर प्रदेश के बाहर तो हो गया इंटर स्टेट ठीक है अब सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से ये जो दो मैंने आप लोगों को बताई ना दो प्रॉब्लम को बताई डबल टैक्सेशन वाली और टैक्स ऑन टैक्स वाली इनको इंट्रा स्टेट लेवल पर सॉल्व किया वैट ने इनको इंट्रा स्टेट लेवल पर सॉल्व किया वैट ने तो टू एलिमिनेट दीज टू प्रॉब्लम्स एट इंट्रा स्टेट लेवल टैक्सेशन सिस्टम कॉल्ड वैल्यू एडेड टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस इन टू थाउजेंड फाइव ठीक है वैल्यू एडेड टैक्स क्या कहता था जो हम लोगों ने अभी कहा कि भाई चालीस रुपए की वैल्यू एडिशन हुई है अब अगले लेग पर सिर्फ चालीस रुपए पर टैक्स जोड़ा जाएगा ठीक है चालीस रुपए की वैल्यू एड हुई है तो अगले लेख पर सिर्फ चालीस रुपए पर ही टैक्स लगाया जाएगा लेकिन ये कैसे फंक्शन करता था आओ इसको फटाफट से देखते हैं आओ इसको फटाफट से से देखते हैं एक बार फिर कुछ बड़ा, बड़ा ही ही किया नहीं ठीक है रॉ मेटीरियल रॉ मेटीरियल लगा वन फिफ्टी रुपीज फोर्टी रुपीज का लेबर लगा ट्वेंटी रुपीज के ओवरहेड्स लगे और का इसने प्रॉफिट जोड़ा टोटल वैल्यू कितनी है 245 रुपीज थी? 245 रुपीज टोटल थी। और टू सेवेंटी फाइव पॉइंट सिक्स रुपीज में इसने बी को बेचा था ठीक है इसने सरकार को कितना जमा किया होगा जल्दी से बता दो मुझे ए ने सरकार को कितना जमा किया होगा अभी मान लो दोनों के दोनों उत्तर प्रदेश में ठीक है दोनों के दोनों उत्तर प्रदेश में ये भी उत्तर प्रदेश में ये भी उत्तर प्रदेश में तो ए ने कितना पैसा सरकार को जमा किया होगा फटाफट से बताओ मुझे ए ने कितना पैसा सरकार को जमा किया हुआ होगा ए ने थर्टी पॉइंट सरकार को जमा किया होगा वेरी गुड मुस्कान रमनदीप दिव्यांशु आर्यन मोहित मुरारी बहुत बढ़िया तो ए ने थर्टी पॉइंट सिक्स रुपीज सरकार को जमा कर दिया होगा तो मैं यहां पर लिख देता हूं ए ने जमा किया थर्टी पॉइंट सिक्स रुपीज सरकार को ठीक है अब मैं बी से कह रहा हूं भाई साहब आपने यह सामान कितने में खरीदा बी कह रहा है मैंने यह सामान खरीदा टू हंड्रेड एंड 275.63 रुपीज में ठीक है में बी ने सामान खरीदा कितने में खरीदा बी ने कहा नहीं तुमने यह सामान टू फोर्टी फाइव में खरीदा है पागल हो गया हो गया मैंने टू मेरे पास बिल मैं कह रहा हूं नहीं नहीं बी तुमने 245 में खरीदा है बी कह रहे मेरा दिमाग मत खराब करो निशु भैया मैं आपकी इज्जत करता हूं इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बकवास करोगे मेरे सामने मैं कह रहा हूं मैं बकवास कर ही नहीं रहा बी कह रहे मेरे पास बिल है बिल पे देखो टोटल अमाउंट यहां पर लिखा हुआ है टोटल अमाउंट लिखा हुआ टू सेवेंटी रुपीज मैंने कहा बी तुमने ये खरीदा टू फोर्टी फाइव रुपीज में थर्टी पॉइंट सिक्स का क्रेडिट मिलेगा का ये क्या क्या नॉनसेंस है क्या, मतलब मतलब क्या है क्रेडिट क्रेडिट होता मैं चिंता मत करो तुम टू फोर्टी फाइव ही लिखो तुम चिंता टू फोर्टी फाइव लिखो बी ने कहा ऐसा करूंगा भरोसा करते हो बी एक सेकेंड के लिए मायूस कहा हां पर भरोसा तो करता हूं बी थोड़ा सा मायूस होकर बी ने मुझसे कहा हां मैं यहां पर भरोसा तो करता हूं मैंने कहा बस मुझ पर भरोसा करो और यहां पर यह जो परचेज प्राइस है यहां पर टू फोर्टी फाइव रुपीज ही लिखो क्योंकि तुमको थर्टी रुपीज सिक्सटी थ्री पैसे का क्रेडिट मिलेगा ठीक है बी ने कहा इसका मतलब क्या है मुझे पता ही नहीं है क्रेडिट मिलेगा का मतलब क्या है मैंने कहा तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो मैं तुम्हें बताऊंगा समय आने पर कि क्रेडिट मिलने का मतलब क्या है लेकिन तुम अभी दो सौ पैंतालीस रुपए ही लगाओ तुम अभी दो सौ पैंतालीस रुपए ही लगाओ ठीक है बी ने जैसे तैसे मेरा मान रखते हुए सिर्फ परचेस प्राइस दो सौ रुपए लिखा रॉ मटेरियल लेबर कुछ है नहीं इसने बीस रुपए के ओवरहेड्स लगाए बीस रुपए का अपना प्रॉफिट जोड़ा और टू एटी इसका सेलिंग प्राइस निकल कर आया ठीक है 285 पर अब इसने साढ़े बारह परसेंट टैक्स लगाया 285 पर इसने साढ़े बारह परसेंट टैक्स लगाया ये आया कितना ये आया थर्टी फाइव <coughs> 285 एटी कितना आ गया 320.63 रुपीस अब मुझे बताओ बी सरकार को कितना पैसा देगा बी सरकार को कितना पैसा देगा जल्दी बताओ बी सरकार को कितना पैसा देगा कमॉन कमॉन कमौन बी बी सरकार को कितना पैसा देगा कमॉन कमॉन क्विकली एवरी वन अभिषेक थर्टी फाइव पॉइंट सिक्स थ्री येस थर्टी फाइव पॉइंट सिक्स थ्री यस थर्टी फाइव पॉइंट सिक्स कौर वेरी गुड ठीक है तो बी सरकार को थर्टी फाइव पॉइंट सिक्स थ्री रुपीज देने जाएगा बी जो है वो सरकार को थर्टी फाइव पॉइंट सिक्स थ्री रुपीज देने जाएगा जैसे ही बी सरकार को थर्टी फाइव पॉइंट सिक्स थ्री रुपीज देने जाएगा सरकारी ऑफिसियल्स उससे बोलेंगे कि भाई साहब आपका तीस रुपए तिरसठ पैसा तो हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है जैसे ही बी सरकार को ये थर्टी फाइव पॉइंट सिक्स रुपीज देने जाएगा जैसे ही बी सरकार को ये थर्टी फाइव पॉइंटी रुपीज देने जाएगा सरकारी ऑफिशियल्स बी को बताएंगे कि भाई साहब आपका थर्टी थर्टी रुपीज सिक्स पैसा तो हमारे पास ऑलरेडी पड़ा है बी कहेगा क्या तो सरकारी ऑफिशियल्स कहेंगे यस जब आपने ए से सामान खरीदा था तो आपने ए को तीस रुपए तिरसठ पैसे दिए थे बी कहेगा हां दिए थे तो सरकारी ऑफिशल्स बोलेंगे कि ए ने आपके नाम पर ये तीस रुपए तिरसठ पैसे हमारे पास जमा करा रखे हैं अब अगर आप थर्टी फाइव पॉइंट सिक्स रुपीज लेकर आए हो तो भाई आपका तीस रुपए तिरसठ पैसा तो ऑलरेडी हमारे पास है आप सिर्फ डिफरेंशियल अमाउंट यानी आप सिर्फ और सिर्फ पांच रुपए हमारे पास जमा करोगे आप सिर्फ और सिर्फ पांच रुपए हमारे पास जमा करोगे क्या यह बात आप सबको समझ में आ रही है क्या ये बात आप सबको समझ में आ रही है बी सरकार के पास कितना पैसा जमा करने जाएगा बी सरकार के पास थर्टी फाइव पॉइंट सिक्सटी रुपीज करने जाएगा बी सरकार के पास थर्टी फाइव पॉइंट सिक्सटी रुपीज जमा करने जाएगा ठीक है लेकिन सरकार वाले क्या बोलेंगे सरकार कहेंगे अरे आपके तीस रुपए तिरसठ पैसे तो ऑलरेडी हमारे पास है और आप हमें कितना दो आप हमें अब सिर्फ पांच रुपए दे दो ठीक है आप हमें सिर्फ पांच रुपए दे दो अब मुझे बताओ कि आप बी मुझे फोन करके बोलेगा नहीं निशु भैया भाई साहब ये मतलब होता है क्रेडिट का अब समझ में आया मुझे तो पता ही नहीं चल रहा था क्रेडिट का मतलब क्या होता है अच्छा किया मैंने आप पर भरोसा कर दिया और मेरा अब सारा का सारा काम सॉर्टेड हो गया है ठीक है मेरा सारा का सारा काम अब सॉर्टेड हो गया है अब आप लोग देख रहे हो पांच ही तो निकल कर आया था वैल्यू एडिशन पर वैल्यू एडिशन के ऊपर पांच रुपए ही तो निकल कर आया था चालीस रुपए के ऊपर जो साढ़े बारह परसेंट लगा था वो पांच रुपए ही तो निकल कर आया था और अब यहां पर बी ने जब सी को माल बेचा तो कितना पैसा दे रहा है पांच रुपए में दे रहा है बी सी को यहां पर कितने में बेच रहा है थ्री ट्वेंटी पॉइंट सिक्सटी रुपीज में बेच रहा है पहले बी कितने में बेच रहा था थ्री फिफ्टी फाइव पॉइंट जीरो एट में बेच रहा था पहले बी कितने में बेच रहा था थ्री फिफ्टी फाइव पॉइंट जीरो एट में बेच रहा मजा आ रहा है सिंपल लग रहा है कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है इजी हो गया देवांशी थैंक यू इसलिए निशु भैया पे हमेशा ट्रस्ट करना चाहिए थैंक यू मयंक वाह सर कितना ईजी कर दिया थैंक यू पार्थ ठीक ये बात समझ में आ रही है ये बात समझ में आ रही है अब सुनो मेरी बात ध्यान से और अब मेरी बात ध्यान से सुनना वैट ने इस प्रॉब्लम को इंट्रा स्टेट लेवल पर तो सॉल्व कर दिया ठीक है वैट ने इस प्रॉब्लम को इंट्रा स्टेट लेवल पर तो सॉल्व कर दिया और ये आगे हर लेग पर ये चलता रहेगा मतलब अब ये ए से B, B से C, C से बी बी सी सी डी जितनी बार भी होगा इस तरह से आप लोग क्रेडिट वगैरह एडजस्ट करके ये हो जाएगा ठीक है तो इस प्रॉब्लम को इंट्रा स्टेट लेवल पर तो वैट ने सॉल्व कर दिया ठीक है लेकिन इंटर स्टेट लेवल पर यह प्रॉब्लम अभी भी होती रही इंटर स्टेट लेवल पर यह प्रॉब्लम अभी भी होती रही आओ देखते हैं इंटर स्टेट लेवल पर यह प्रॉब्लम क्यों होती होगी ठीक है आओ देखते हैं इंटर स्टेट लेवल पर ये प्रॉब्लम क्यों होती होगी एक सेकेंड के लिए आप मान लो एक सेकेंड के लिए आप मान लो क्या मानो देखो एक सेकेंड के लिए आप मानो चलो इसको मैं फिर से लिख दूंगा ठीक है एक सेकेंड के लिए आप मानो कि ये बंदा यूपी में है और ये बंदा एमपी में है ठीक है ए जो है वो यूपी में है बी जो है वो एमपी में है ठीक है एक बार फिर से परचेस प्राइस कुछ भी नहीं है डेढ़ सौ रुपए के रॉ मटीरियल चालीस रुपए का लेबर बीस रुपए के ओवर हेड पैंतीस रुपए का प्रॉफिट टोटल टू फोर्टी फाइव इस पे थर्टी पॉइंट सिक्स थ्री टू सेवेंटी फाइव पॉइंट सिक्स थ्री ठीक है इसने कितना पैसा जमा किया सरकार के पास इसने तीस रुपए तिरसठ पैसा जमा कर दिया इसने तीस रुपए तिरसठ पैसे कहां जमा किया होगा उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में लॉजिकली बताओ ए ने तीस रुपए तिरसठ पैसे कहा जमा किए होंगे उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में फटाफट से बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ ए ने तीस रुपए तिरसठ पैसे कहां जमा किए होंगे उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश में वेरी नाइस ठीक है अब बी इज अंडर द इंप्रेशन देशन उसको इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिलेगा बी इज अंडर द इंप्रेशन देशन उसको इसका क्रेडिट मिलेगा तो बी ने कहा कि मुझे तो मेरे पास तो थर्टी रुपीज सिक्सटी थ्री पैसा का क्रेडिट है परचेज प्राइस मेरा फिर टू फोर्टी फाइव रुपीज ही होगा परचेज प्राइस मेरा टू फोर्टी फाइव ही होगा ये सब कुछ भी नहीं है ठीक है ये बीस रुपए के ओवर है बीस रुपए का प्रॉफिट है टू एटी फाइव रुपीज ये आ जाएगा और इस पर थर्टी फाइव पॉइंट सिक्स थ्री रुपीज ये हो जाएगा ठीक है थर्टी फाइव पॉइंट सिक्स थ्री रुपीज ये हो जाएगा और थ्री हंड्रेड एंड ट्वेंटी थ्री हंड्रेड एंड ट्वेंटी पॉइंट सिक्स थ्री रुपीज ये होगा अब सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से बी भाई साहब क्या कर रहे हैं बी भाई साहब थर्टी फाइव पॉइंट सिक्स रुपीज लेकर गए एमपी की सरकार के पास ठीक है बी भाई साहब थर्टी फाइव पॉइंट रुपीज लेकर गए एमपी की सरकार के पास और उनसे कहा कि सुनो मेरा तीस रुपए तिरसठ पैसा ऑलरेडी आपके पास आया हुआ होगा ये लो पांच रुपए ठीक है बी ने मध्य प्रदेश की सरकार से कहा कि मेरा तीस रुपए तिरसठ पैसा तो ऑलरेडी आपके पास होगा ये लो पांच रुपए मध्य प्रदेश सरकार के जो ऑफिशियल्स थे वो देखकर इसको थोड़ा सा सकपक आ गए क्योंकि बी पूरे कॉन्फिडेंस में था झूठ भी बोलो तो इतने कॉन्फिडेंस में बोलो कि सामने वाले को कंफ्यूजन हो जाए कि तुम झूठ बोल रहे हो ठीक है तो बी के ऊपर एमपी के ऑफिशियल्स को थोड़ा सा शक तो हुआ कि यार शायद इसको थोड़ा सा थोड़ी सी गलत है लेकिन इन्होंने खुद अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स टटोल दिए एमपी वालों ने खुद अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स टटोल दिए ठीक है और एमपी वालों ने इससे कहा कि भाई साहब आपका कोई तीस रुपया तिरसठ पैसा हमारे पास नहीं है ठीक है आपका कोई तीस रुपया सामान खरीदा था दो सौ पचहत्तर रुपए का तो हां खरीदा था कोई प्रॉब्लम नहीं सर तो बी ने कहा नहीं ये जो तीस रुपये तिरसठ पैसे मेरे से सेल्स टैक्स के नाम पर वैट के नाम पर लिए थे ये सरकार को जमा नहीं किए भाई साहब मैं तो जमा कर चुका हूं

कह रहे हैं हमारे पास पैसा नहीं आया देखो रिसीट है तुम्हारे पास अपने अपने रिकॉर्ड्स कायदे से चेक करो तुम लोग कह रहे हो तुम लोग बेवकूफ बना रहे हो मेरे से ज्यादा पैसा चाह रहे हो एमपी वालों ने ए के दिए हुए प्रूफ को बहुत ध्यान से देखा और कहा बी से भाई साहब ये जो थर्टी रुपीज सिक्सटी थ्री पैसा है ना इसने उत्तर प्रदेश वालों को दिया है ये जो थर्टी रुपीज सिक्सटी थ्री पैसा है ए ने जमा किया है बिल्कुल जमा किया है लेकिन ए ने उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को जमा किया है हमारे पास अगर यह तीस रुपए तिरसठ पैसा है ही नहीं तो हम आपको इसका क्रेडिट कैसे दे सकते हैं हमारे पास अगर आपका तीस रुपए तिरसठ पैसा है ही नहीं तो हम आपको इसका क्रेडिट कैसे दे सकते हैं क्या यह बात सबको समझ में आ रही है यस yes. क्या यह बात आप सबको समझ में आ रही है यस yes. ठीक है ए ने कोई प्रॉब्लम नहीं की ए ने तीस रुपए तिरसठ पैसे दिए हैं लेकिन किसे यूपी गवर्नमेंट को दिए हैं लेकिन किसे यूपी गवर्नमेंट को दिए हैं ठीक है ठीके? और बी के पास क्रेडिट की कोई गुंजाइश नहीं है एमपी गवर्नमेंट के पास जब पैसा ही नहीं आया है तो एमपी गवर्नमेंट बी को क्रेडिट कैसे देगी एमपी गवर्नमेंट बी को क्रेडिट कैसे देगी और इसीलिए वैट इस प्रॉब्लम को सिर्फ इंट्रा स्टेट लेवल तक ही सॉल्व कर पाया अगर दोनों सेम स्टेट में है कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन अगर दोनों अलग अलग स्टेट्स में है तो प्रॉब्लम है लेकिन दोनों अगर अलग अलग स्टेट्स में है तो प्रॉब्लम है क्या आपको यह तीसरी प्रॉब्लम समझ में आ रही है क्या आपको ये तीसरी प्रॉब्लम समझ में आ रही है ठीक है और अगर मान लो वैट इस प्रॉब्लम को इंटर स्टेट लेवल पर सॉल्व नहीं कर पाया तो इंटर स्टेट लेवल पर तो फिर से वही दोनों प्रॉब्लम्स ना डबल टैक्सेशन और टैक्स ऑन टैक्स ठीक है अब मेरे को एक बात बताओ जब बी को तीस रुपए तिरसठ पैसे का क्रेडिट नहीं मिलेगा तो बी तो यहां पर अपनी परचेज ना टू सेवन पॉइंट सिक्स में जाए मैं क्यों अपनी जेब से एक्स्ट्रा पैसे दू मैं अपने कस्टमर से लूंगा अगर बी को क्रेडिट ही नहीं मिल रहा तो बी परचेज प्राइस टू फोर्टी फाइव थोड़ी लेगा बी तो प्राइस 275 लेगा और जैसे ही बी ने प्राइस लिया फिर से वो दोनों प्रॉब्लम डबल टैक्सेशन और टैक्स ऑन टैक्स यस डबल टैक्सेशन और टैक्स ऑन टैक्स यस ये बात क्लियर हो रही है तो वैट इस प्रॉब्लम को इंट्रा स्टेट लेवल पर सॉल्व कर पाया लेकिन इंटर स्टेट लेवल पर सॉल्व नहीं कर पाया ठीक है इंटर स्टेट लेवल पर सॉल्व करने के लिए और और बाकी सारी चीजों का को ध्यान में रखते हुए हमारे पास आया है जीएसटी अब आप देखोगे मजे से कि जीएसटी ने कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया ठीक है अब आप देखोगे कि जीएसटी ने कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया बड़ा मजा आएगा बहुत ध्यान से सुनते रहना जीएसटी ने कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया पहले उसके बारे में हम लोग बात करते हैं ठीक है जीएसटी आने के बाद मैं आपको यह बताऊंगा कि जीएसटी ने कैसे इस प्रॉब्लम को इंट्रा स्टेट पर भी सॉल्व किया और इंटर स्टेट लेवल पर भी सॉल्व किया ठीक है तो इंट्रा स्टेट पे भी और इंटर स्टेट पर भी जीएसटी आने की वजह से यह प्रॉब्लम दोनों लेवल पर सॉल्व हो गई इंट्रा स्टेट पर भी और इंटर स्टेट पर भी सुनो मेरी बात ठीक है जीएसटी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं ध्यान से सुनना ध्यान से सुनना दो चीजें आप लोगों को समझनी है पहली बात जीएसटी जो है वो एक डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पन टैक्स है जीएसटी जो है वो एक डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है अब इसका मतलब क्या है दो प्रिंसिपल होते हैं टैक्सेशन में एक होता है ओरिजिन बेस्ड और एक होता है डेस्टिनेशन बेस्ड ओरिजिन बेस्ड का मतलब क्या है कि अगर सपोज मैं इंडिया से यूएस में माल बेच रहा हूं तो टैक्स इंडियन गवर्नमेंट को मिलेगा और डेस्टिनेशन बेस्ड मतलब है कि अगर मैं अगर मैं सामान इंडिया से यूएस में बेच रहा हूं तो टैक्स यूएस की गवर्नमेंट को मिलेगा ठीक है बहुत ध्यान से सुनना ध्यान से सुनते रहना अगर मैं सामान इंडिया से यूएस में बेच रहा हूं इंडिया में रहकर मैं सामान यूएस में बेच रहा हूं इस पर जो भी टैक्स आएगा वो इंडियन गवर्नमेंट को मिलेगा मतलब जहां से गुड्स ओरिजिनेट हुए उस ओरिजिन 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 वाली सरकार को टैक्स मिलेगा इसको बोलते हैं बेस्ड बेस्ड टैक्सेशन टैक्सेशन प्रिंसिपल सिस्टम ठीक है और अगर मान लो इंडिया से गुड्स ओरिजिनेट हुए यूएस में गए और यूएस की गवर्नमेंट गुणे को टैक्स मिला तो इसको बोलते हैं डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम क्या बोलते हैं इसको डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम राइट right? तो जो जीएसटी है वो एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम है और ये कंज़म्पशन टैक्स पे बात करता है कंज़म्पशन का क्या मतलब है कंज़म्पशन का क्या मतलब है सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं एक चिप्स का पैकेट है एक चिप्स का पैकेट है उत्तर प्रदेश में मैन्युफैक्चर हुआ यहां से एमपी में भेजा गया वहां से कर्नाटका में भेजा गया वहां से कर्नाटका में भेजा गया और उसके बाद सपोज जम्मू एंड कश्मीर में भेज दिया गया ठीक है ये चिप्स का पैकेट है उत्तर प्रदेश में मैन्युफैक्चर हुआ उत्तर प्रदेश से बेचा गया एमपी में एमपी से बेचा गया कर्नाटका में कर्नाटका में से बेचा गया जम्मू एंड कश्मीर में और जम्मू एंड कश्मीर में कोई बच्चा उस पैकेट को खोल के खा रहा है ठीक है जम्मू एंड कश्मीर में कोई बच्चा उसको खोल के खा रहा है ये चिप्स अल्टीमेटली कंज्यूम कहां हुए ये चिप्स अल्टीमेटली कंज्यूम हुए हैं जम्मू एंड कश्मीर में ठीक है तो डेस्टिनेशन बेस्ड डेस्टिनेशन बेस्ड का मतलब कि यूपी से अगर एमपी में बिका तो डेस्टिनेशन क्या है एमपी है एमपी से कर्नाटका में बिका डेस्टिनेशन क्या है कर्नाटका है कर्नाटका से जम्मू एंड कश्मीर में बिका डेस्टिनेशन क्या है जम्मू एंड कश्मीर है तो अगर इतनी सारी डेस्टिनेशन है तो टैक्स कौन सी वाली स्टेट को मिलेगा जिस स्टेट में यह अल्टीमेटली कंज्यूम होगा तो अल्टीमेटली कंज्यूम कहां हो रहा है अल्टीमेटली कंज्यूम जम्मू एंड कश्मीर में हो रहा है तो हेंस इस पर जो भी टैक्स आएगा वो जम्मू एंड कश्मीर को मिलेगा क्लियर हो रही है बात जो भी टैक्स आएगा वो जम्मू एंड कश्मीर पर मिलेगा तो जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स मतलब जहां पर जा रहा है उस स्टेट को मिलेगा लेकिन अगर मल्टीपल जगहों पर जा रहा है तो जो फाइनल डेस्टिनेशन होगी जहां पर ये गुड्स कंज्यूम किए जाएंगे उस वाली स्टेट को यह जीएसटी मिलेगा यह बात क्लियर हो रही है जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स डेस्टिनेशन मतलब जहां जा रहा है उस सरकार को मिलेगा और अगर मल्टीपल जगहों पर जा रहा है तो जहां अल्टीमेट कंजम्पशन होगा उस सरकार को मिलेगा क्लियर क्रिस्टल क्लियर विनय अशोक बहुत बढ़िया ठीक है तो डेस्टिनेशन मतलब जहां सामान जा रहा है उसकी सरकार को टैक्स मिलेगा ओरिजिन मतलब जहां से सामान जा रहा है उसकी सरकार को टैक्स मिलेगा ठीक है तो यूपी से एमपी में गया एमपी से कर्नाटका कर्नाटका से जम्मू एंड कश्मीर तो जम्मू एंड कश्मीर सरकार को टैक्स मिलेगा ये हो गया डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स ये बात क्लियर होगी ठीक है दो प्रिंसिपल होगा मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं दो सिस्टम्स होते हैं एक, होते है और एक होते है based, तो टैक्स किसको मिलेगा टैक्स उत्तर प्रदेश की सरकार को मिलेगा डेस्टिनेशन बेस्ड मतलब अगर मैं उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश में सामान बेच रहा हूं तो टैक्स मध्य प्रदेश को मिलेगा ओरिजिन मतलब जहां से शुरुआत हुई और डेस्टिनेशन मतलब जहां पर कंप्लीशन हुआ ठीक है तो ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम मतलब अगर मैं उत्तर प्रदेश से सामान निकाल रहा हूं तो उत्तर प्रदेश की सरकार को टैक्स मिलेगा और डेस्टिनेशन बेस्ड मतलब अगर मैं मध्य प्रदेश में बेच रहा हूं उत्तर प्रदेश से सामान निकालकर प्रदेश में बेच रहा हूं तो मध्य प्रदेश की सरकार को टैक्स मिलेगा ओरिजिन बेस्ड डेस्टिनेशन बेस्ड क्लियर जीएसटी क्या है डेस्टिनेशन बेस्ड है लेकिन कौन सी डेस्टिनेशन जिस डेस्टिनेशन में फाइनल कंजम्पशन होगा अभी क्लियर हो रही है बात डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स वाली बात क्लियर हुई है डेस्टिनेशन बेस्ड कंसम्शन टैक्स वाली बात क्लियर हो रही है सबको जल्दी बताओ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजन टैक्स वाली बात क्लियर हो रही है जहां पर होगा, वहां पर उसको मिलेगा अब सुनो आगे अब सुनो आगे दूसरी चीज है कि इंडिया में ना फेडरल स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का फेडरल स्ट्रक्चर है फेडरल स्ट्रक्चर मतलब यहां पर दो टाइप की गवर्नमेंट होती है एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और दूसरी स्टेट गवर्नमेंट होती है ठीक है जीएसटी में फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट है और इसीलिए इंडिया के अंदर जो जीएसटी आया है वो ड्यूअल जीएसटी मॉडल आया है वो ड्यूअल जीएसटी मॉडल आया है ठीक है जो इंडिया के अंदर जीएसटी आया है वो ड्यूअल जीएसटी मॉडल आया है इसका ध्यान से बात सुनना ध्यान से इसकी बात सुनना ठीक है अगर एक स्टेट से सपोज उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश में सामान बेचा जाएगा अगर उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश में सामान बेचा जाएगा तो 18 परसेंट का जीएसटी लगेगा तो 18 परसेंट का जीएसटी लगेगा ठीक है फिर से अगर उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश में सामान बेचा जाएगा तो सपोज 18 परसेंट का जीएसटी लगेगा इस 18 परसेंट का 9 परसेंट ले जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट और 9 परसेंट ले जाएगी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ठीक है जीएसटी में एक ऐसा सिस्टम है जहां पर हर ट्रांजैक्शन में जो भी टैक्स आएगा आधा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा. डू सेंट्रल जाएगा और आधा कंज्यूमिंग स्टेट को जाएगा आई रिपीट दिस जीएसटी में जो ड्यूअल जीएसटी मॉडल है उसमें ऐसा है कि जो भी टैक्स आएगा जो भी टैक्स आएगा जिस भी ट्रांजैक्शन पर जो भी टैक्स आएगा आधा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और आधा कंज्यूमिंग स्टेट को जाएगा आधा कंज्यूमिंग स्टेट को जाएगा ठीक है आधा कंज्यूमिंग स्टेट को जाएगा मान लो उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश में ही माल बिकता है तब भी 18 परसेंट का जीएसटी लगेगा जिसमें नौ परसेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और नौ परसेंट यूपी गवर्नमेंट को जाएगा क्योंकि कंज्यूमिंग स्टेट यूपी है तो जीएसटी का बड़ा सिंपल सा रूल है बड़ा सिंपल सा रूल है एंड दिस अप्लाइज फॉर एवरी सिंगल ट्रांजेक्शन ऑफ जीएसटी ठीक है दिस अप्लाईज टू एवरी सिंगल ट्रांजेक्शन ऑफ जीएसटी एवरी सिंगल ट्रांजेक्शन क्या रूल है कि अगर कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ उस पर जो भी टैक्स लगेगा उसका आधा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और आधा जो कंज्यूमिंग स्टेट है उसको जाएगा ठीक है आधा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और आधा कंज्यूमिंग स्टेट को जाएगा ठीक है अब आगे देखो अगर स्टेट ट्रांजेक्शन होते हैं अगर स्टेट ट्रांजेक्शन होते हैं तो इस पर जो टैक्स लगता है वो लगता है सीजीएसटी और एसजीएसटी ठीक है सीजीएसटी का मतलब हुआ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स और एसजीएसटी का मतलब हुआ स्टेट गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स स्टेट गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स अगर इंटर स्टेट होता है अगर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होता है तो इस पर लगता है आईजीएसटी आईजीएसटी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स ठीक है मैं अभी तक मैंने जो बोला मैं उसको रिपीट कर रहा हूं ठीक है सबसे पहली बात मैंने बोली जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स जिस स्टेट में फाइनल कंजम्पशन होगा उस स्टेट में उस स्टेट को टैक्स मिलेगा पहली बात तो यह होगी डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स दूसरी बात मैंने आपको बताई कि जीएसटी का ड्यूअल स्ट्रक्चर है ड्यूअल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि यूपी से एमपी में कुछ भी अगर हुआ कुछ भी अगर हुआ कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ तो ड्यूअल नेचर होने की वजह से जितना भी आप टैक्स चार्ज करोगे उसका आधा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और आधा कंज्यूमिंग स्टेट को जाएगा ठीक है आधा सेंट्रल गवर्नमेंट और आधा कंज्यूमिंग स्टेट सिंपल अब अगर मान लो यूपी से एमपी में ट्रांजेक्शन हुआ तो नौ किसको गया सेंट्रल गवर्नमेंट को गया और नौ किसको गया प्रदेश गवर्नमेंट को गया अगर मान लो यूपी से यूपी में हुआ तो नौ परसेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को गया और नौ परसेंट यूपी गवर्नमेंट को गया क्योंकि कंजम्पशन वहां पर हुआ इसका मैकेनिज्म हम लोग अभी धीरे धीरे समझेंगे ठीक है मैकेनिज्म के चक्कर में अभी बिल्कुल परेशान मत होना मैकेनिज्म अभी हम लोग धीरे धीरे समझेंगे राइट right? के कैसे होगा क्या होगा अभी आप इतना बताओ ये दो चीजें समझ में आई आपको सबसे पहली चीज जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजन टैक्स और दूसरी चीज दे जीएसटी मॉडल इन इंडिया ठीक है अब यहां पर ये भी डाउट आएगा कि सर ये सीजीएसटी क्या है एसजीएसटी क्या है आईजीएसटी क्या है सब बताऊंगा लेकिन धीरे धीरे पता चलेगा सब कुछ ठीक है एक साथ अगर बहुत सारी चीजें बोल दी ना तो एकदम कंफ्यूज हो जाओगे और कुछ समझ में आएगा नहीं तो जिस स्पीड से हम लोग चल रहे ना बहुत धीरे 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 वैसे चलते रहो कल की एंड में कल की क्लास के बाद आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे ठीक है कल की क्लास के बाद आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे जल्दी से मुझे इतना बता दो ये दो चीजें आप लोगों को समझ में आई ये दो चीजें समझ में आई जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स और दूसरी चीज के जीएसटी में आपका ड्यूअल जीएसटी मॉडल है इंटर स्टे, इंटरा स्टेट अगर होता है तो सीजीएसटी एस जीएसटी लगेगा इंटर स्टेट अगर हुआ तो आई जीएसटी लगेगा ठीक है इंटर स्टेट हुआ तो आईजीएसटी लगेगा।, तो लगेगा अब आओ आगे देखो आगे देखो हम लोग सबसे पहले समझते हैं हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि कैसे जीएसटी इंट्रा स्टेट लेवल पर इस चीज को काम करता है इंट्रा स्टेट लेवल पर ठीक है इंट्रा स्टेट लेवल पर किस तरह से ये वाली चीज जीएसटी ने टैकल की है उसको हम लोग यहां पर समझते हैं ठीक है देखो इंट्रा स्टेट लेवल पर क्या हुआ इधर देखो ये वाला ये वाला देखो ये वाला क्वेश्चन देखो स्टेट लेवल पहले स्टेट लेवल समझते हैं ठीक है मिस्टर ए पहले स्टेट लेवल समझते हैं

उसने बी को एक लाख रुपए में सामान बेचा बी ने उसमें बीस परसेंट का वैल्यू एडिशन किया और उसने सी को आगे सामान बेच दिया ठीक है उसने सी को आगे सामान बेच दिया यू आर रिक्वायर टू डिटर्मन द टैक्स पेबल बाई मिस्टर ए एंड मिस्टर बी इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेट ट्रांजेक्शन अज्यूमिंग द जीएसटी रेट इज एटीन परसेंट जीएसटी रेट हो गया एटीन परसेंट अब देखो राजस्थान से राजस्थान में माल गया है तो ये जो एटीन परसेंट है इस पे सीजीएसटी लगेगा और इस पर एसजीएसटी लगेगा सीजीएससी 9 परसेंट और एसजीएससी 9 परसेंट कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि तीन तीन जीएसटी हैं नहीं जीएसटी एक ही है आपको याद होगा जब 2017 में जीएसटी आ रहा था तो इट वाज ऑलवेज सेड वन वन नेशन टैक्स ठीक है क्योंकि एक देश है तो एक ही टैक्स लगेगा बहुत सारे जो छोटे 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 टैक्सेस थे उसको जीएसटी ने अपने अंदर सब्स्यूम किया हुआ है ठीक है इतने सारे ये सेंट्रल वाले टैक्सेस थे ये इतने सारे स्टेट टैक्सेस थे सबको जीएसटी ने अपने अंदर ले लिया ये सारी चीजें मैं आप लोगों को कल बताऊंगा ठीक है लेकिन अभी फिलहाल फटाफट फड़ से देखते हैं कि जीएसटी ने इस प्रॉब्लम को इंट्रा स्टेट लेवल पर वैसे तो वैट सॉल्व कर चुका था लेकिन इंट्रा स्टेट लेवल पर कैसे हुआ ठीक है इंट्रा स्टेट है तो सीजीएससी नौ परसेंट एसजीएससी नौ परसेंट जीएससी का रेट वही है अठारह परसेंट तो डबल डबल नहीं लग रहा है अठारह परसेंट है तो नौ परसेंट सीजीएससी नौ परसेंट एसजीएससी आओ देखो आओ देखो ए ने बी को बेचा बी ने सी को बेचा ठीक है ए ने जब बी को बेचा तो ए ने खरीदा कितने में था ए ने कितने में भी नहीं खरीदा था ठीक है ए है और ए ने एक लाख रुपए की वैल्यू एड की थी सिर्फ देखना है कुछ लिखना नहीं है ए ने एक लाख रुपए की वैल्यू एड की थी टोटल कितना हो गया एक लाख रुपए हो गया टोटल ये कितना हो गया टोटल ये एक लाख रुपए हो गया ठीक है अब इस पर नौ परसेंट सी लगेगा नौ हजार और नौ परसेंट एसजीएससी लगेगा आईजीएसटी कुछ लगेगा नहीं टोटल आ जाएगा एक लाख अट्ठारह हजार रुपए टोटल आ जाएगा एक लाख अठारह हजार रुपए ठीक है हमने बी से कहा कि देखो तुमको ये नौ हजार नौ हजार का क्रेडिट मिलेगा तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो ठीक है तुमको ये नौ नौ हजार रुपए का क्रेडिट मिलेगा तुम बिल्कुल चिंता मत करो सबसे पहली बात तो ए ने क्योंकि ये नौ नौ हजार रुपए कलेक्ट किया है बी से तो ए की लाइबिलिटी है कि ये नौ हजार रुपए सीजीएसटी जमा करेगा और नौ हजार रुपए एसजीएसटी जमा करेगा तो ये ए की आउटपुट लाइबिलिटी कहलाती है ये एक ही आउटपुट लाइबिलिटी कहलाती है तो एक ही आउटपुट लाइबिलिटी आ गई सीजीएसटी 9000 और एसजीएसटी 9000 हजार यहां तक समझ में आ रहा है आउटपुट लाइबिलिटी नाइन नाइन थाउजेंड आई ये बात ये बात समझ में आ रही है जल्दी बताओ मेरे को आउटपुट लाइबिलिटी नाइन थाउजेंड नाइन थाउजेंड आई ये बात समझ में आ रही है एक लाख रुपए का एक लाख रुपए का सामान ए ने बी को बेचा अठारह परसेंट का जीएसटी क्योंकि सेम स्टेट में है, तो नौ परसेंट नौ परसेंट सी जीएसटी एस जीएसटी लगेगा ये नौ नौ परसेंट ए को जमा करना पड़ेगा सरकार को क्योंकि इसको जमा करना पड़ेगा इसलिए यह गई इसकी आउटपुट लाइबिलिटी ठीक है आउटपुट लाइबिलिटी नाइन नाइन थाउजेंड अब सुनो ठीक है बी को इस नाइन नाइन थाउजेंड का क्रेडिट मिलेगा तो बी के लिए मैं यहां पर लिख देता हूं बी के लिए लिख देता हूं इसको नौ हजार रुपए का क्रेडिट अवेलेबल है और एसजीएससी में भी इसको नौ हजार रुपए का क्रेडिट अवेलेबल है ठीक है बी को इसका क्रेडिट मिल जाएगा तो बी के लिए मैंने नाइन नाइन थाउजेंड के क्रेडिट अवेलेबल लिख दिया ठीक है ठीके? अब आओ देखो अब बी के लिए परचेस प्राइस तो एक लाख रुपए हुआ इसने ट्वेंटी परसेंट का वैल्यू एडिशन किया बीस हजार रुपए टोटल आ गया एक लाख बीस हजार रुपये बी ने सी को बेचा और सी कहा है सी भी राजस्थान में ही है सी भी तो राजस्थान में ही है तो अब बी भी, भी क्या करेगा इस पर नौ नौ परसेंट लगाएगा एक लाख बीस हजार नौ परसेंट ये दस हजार आठ सौ और नौ परसेंट ये दस हजार आठ सौ कितना हो गया वन फोर्टी वन सिक्स हंड्रेड आ गया वन फोर्टी वन सिक्स हंड्रेड वन फोर्टी वन सिक्स हंड्रेड ठीक है बी की आउटपुट लाइबिलिटी दस हजार आठ सौ दस हजार आठ सौ तो बी की आउटपुट लाइबिलिटी आई दस हजार आठ सौ दस हजार आठ सौ ठीक है आओ ए के पास कोई क्रेडिट अवेलेबल था नहीं ए ने नौ हजार रुपए सीजीएसटी पे किया नौ हजार रुपए एसजीएसटी पे किया बी को दस हजार आठ सौ पे करना था पर नौ हजार का इसके पास क्रेडिट था इसने एक हजार आठ सौ सीजीएसटी पे किया एक हजार आठ सौ इसने एसजीएसटी पे किया ठीक है सरकारों को कितना मिला सेंट्रल गवर्नमेंट को ये नौ हजार प्लस एक हजार आठ सौ मिला दस हजार आठ सौ और स्टेट गवर्नमेंट को ये नौ हजार और ये एक हजार आठ सौ भी मिल गया कितना दस हजार आठ सौ क्या ये बात आपको क्लियरली समझ में आ रही है जो ट्रांजैक्शन हुआ उसका आधा टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल गया आधा टैक्स स्टेट गवर्नमेंट को मिल गया ठीक है मैं एक बार ये पूरा ट्रांजेक्शन रिपीट कर दे रहा हूं मैं एक बार ये पूरा ट्रांजेक्शन रिपीट कर दे रहा हूं ठीक है ध्यान से सुनना ध्यान से सुनना ए ने कुछ खरीदा वरीदा नहीं क्योंकि ए मैन्युफैक्चरर है इसने एक लाख रुपए की वैल्यू एडिशन किया एक लाख रुपए में इसने बी को सामान बेचा क्योंकि बी राजस्थान में ही था इसलिए सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा इसने नौ हजार रुपए का सीजीएसटी लिया नौ हजार रुपए का एसजीएसटी लिया और एक लाख अठारह हजार रुपए टोटल बी से लिए ठीक है ये जो नौ हजार नौ हजार रुपए इसने लिए हैं ये इसको सरकार को पे करने होंगे तो ये इसकी आउटपुट लाइबिलिटी में आ जाएगा इसकी आउटपुट लाइबिलिटी आ गई नौ हजार और इसकी आउटपुट लाइबिलिटी आ गई ये नौ हजार बी ने ये जो 9000 9000 यहां पर एक्स्ट्रा दिए इसको क्रेडिट मिलेगा इसका क्रेडिट मिलेगा तो बी के लिए क्रेडिट में आ गया ये 9000 और ये क्रेडिट में आ गया 9000 ठीक है अब बी के लिए परचेस प्राइस क्या होगा बी के लिए परचेस प्राइस एक लाख रुपए होगा ठीक है बी के लिए परचेज प्राइस एक लाख रुपए होगा ठीक बी ने इसमें बीस परसेंट का वैल्यू एडिशन किया तो एक लाख बीस हजार रुपए में इसने बेच दिया ठीक है इसने अपने कस्टमर से दस हजार आठ सौ और दस हजार आठ सौ लिया इसने अपने कस्टमर से कितना लिया दस हजार आठ सौ दस हजार आठ सौ यह कितना हो गया वन फोर्टी वन सिक्स हंड्रेड वन फोर्टी वन सिक्स हंड्रेड में इसने बेच दिया अब क्योंकि बी ने अपने कस्टमर से टेन थाउजेंड एट एट हंड्रेड लिया तो बी की जो आउटपुट लाइबिलिटी है, वो ये है 10 ,800, 10 ,800. यहां पर कुछ भी नहीं आएगा ए, 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 को कोई नहीं है, कितना पे करेगा 9,000 सेंट्रल गवर्नमेंट को और 9,000 स्टेट गवर्नमेंट को बी को दस पे करना है पर नौ ऑलरेडी पेड है तो यह सिर्फ एक पे करेगा और यहां पर भी एक पे करेगा ठीक है तो ए के लिए और बी के लिए अगर हम देखें तो टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना मिला सेंट्रल गवर्नमेंट को ये 9000 मिला ये 1800 मिला सेंट्रल गवर्नमेंट को 10800 मिल गया स्टेट गवर्नमेंट को ये 9000 मिला ये 1800 मिला तो ये कितना हो गया 10800 स्टेट गवर्नमेंट को मिल गया है इस तरह से जीएसटी फंक्शन करता है एट एन स्टेट लेवल इस तरह से जीएसटी फंक्शन करता है एट एन इंट्रा स्टेट लेवल क्या यह बात आपको समझ में आ रही है इस तरह से जीएसटी फंक्शन कर रहा है एट एन इंट्रा स्टेट लेवल गेटिंग एन एवरी वन यस क्लियर है मस्त है इंट्रा स्टेट लेवल पर जीएसटी फंक्शन कर रहा है देखो वैट किस तरह से फंक्शन कर रहा है वो हम लोगों ने समझ लिया इंट्रा स्टेट लेवल पर जीएसटी किस तरह से फंक्शन कर रहा है वो हमारा मेन मुद्दा है कि भाई जीएसटी ने ये प्रॉब्लम इंटर स्टेट लेवल पर कैसे सॉल्व की मेन पंगा तो ये है कि भाई जीएसटी ने ये प्रॉब्लम इंटर स्टेट लेवल पर कैसे सॉल्व की यही बात है इंटरेस्टिंग है समीर मोहम्मद वेरी नाइस मुझे एक बात बताओ हमारा मेन मुद्दा तो ये है ना कि जीएससी ने इस प्रॉब्लम को इंटर स्टेट लेवल पर कैसे सॉल्व किया वही तो हम लोगों को समझ रहे ठीक है इंटर स्टेट लेवल पर किस तरह से सॉल्व की गई ये प्रॉब्लम राइट right? इस चीज को समझ रहे यस yes. ये हम लोग समझेंगे कल की क्लास में ठीक है क्योंकि उसमें और भी बहुत सारी चीजें होंगी और उसमें बहुत आराम आराम से मैं आप लोगों को समझाऊंगा तो जानने के लिए देखिए कल की क्लास ठीक है तो कल की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जीएसटी ने इस प्रॉब्लम को इंटर स्टेट लेवल पर किस तरह से सॉल्व किया ठीक है इंटर स्टेट लेवल पर किस तरह से सॉल्व किया उसको हम लोग कल देखेंगे आज के लिए सस्पेंस है ठीक है तो आई होप यू गैट इंजॉय दिस सेशन ये पार्थ वेरी इंटरेस्टिंग देवांशी कह रही है सर अगर ग्रुप वन लिया है तो एनरोलमेंट की एक ही मिलेगी अरे ग्रुप वन में दोनों है ना देवांशी डीटी और आईडीटी दोनों है ना आपने डीटी आईडीटी DT दोनों का सब्सक्रिप्शन लिया है ना अगर आपने पूरा ग्रुप वन लिया है तो फिर डीटी आईडीटी आईडी दोनों आगे ना उसमें तो आपको दोनों का मैं दूंगा ना एनरोलमेंट की ठीक है चरण स्पर्श चलो थैंक यू सो मच सर करवा दो आयुष नहीं उसमें बहुत टाइम लगेगा उसमें डेढ़ घंटा और लगेगा ठीक है इंटर स्टेट लेवल पर किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व हुई उसको समझने में हम लोगों को डेढ़ घंटा और लगेगा तो इसलिए वो कल की क्लास में होगा मोस्ट इंटरेस्टिंग क्लास थैंक यू सो मच थैंक यू एवरीवन वीडियो को लाइक कर देना और बस कमेंट करके बताना आपको सेशन कैसा लगा मैं आप लोगों से मिलूंगा कल थैंक यू टेक केयर बाय